जी सर, जी ओके ओके सर, अच्छा, रिकॉर्डिंग भी शुरू हो चुकी है। सो नेक्स्ट, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ कल के क्लास का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने कल क्या चीजें लर्न की थी। हमने कल दो डिजाइन एलिमेंट्स को देखा था, ग्राफिक डिजाइन के एलिमेंट्स को, जिनमें से नंबर वन स्पेस और नंबर टू फॉर्म एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट में हमने ये ऑब्जर्व किया था कि स्पेस से बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे डिजाइन में। हमने स्पेस रखनी होती है इन अ फॉर्म ऑफ मार्जिन्स या टू एनहेंस विजिबिलिटी और रीडेबिलिटी और क्लीनलीनेस ऑफ डिजाइन के लिए अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्पेस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि हमारे पास वाइट स्पेस ही हो, हमारे पास कोई कलर्ड स्पेस भी हो सकती है। हमने नेगेटिव स्पेस के बारे में भी डिस्कशन की, जो हमने नेगेटिव शेप्स के थ्रू एक डिस्कशन की थी कल के लेक्चर में। सो स्पेस एक इम्पॉर्टेंट ग्राफिक डिजाइन का एलिमेंट है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते अपने ग्राफिक डिजाइन में। चीजों को बल्कि नहीं दिखाना, हमने चीजों को अरेंज्ड, अलाइंड और एक फ्लो में दिखाना होता है हमने, और इसमें स्पेस हमारी हेल्प करती है। नंबर टू एलिमेंट जो हमने कल डिस्कस किया था फॉर्म एलिमेंट था। फॉर्म एलिमेंट में हमने देखा था कि दो टेक्निक्स होती हैं, शेडो की टेक्निक और लाइटनिंग की टेक्निक। इन दो टेक्निक्स को यूज करके हम एक 2D इमेज को एक 3D इफेक्ट दे सकते हैं, या 2D डिजाइन को एक 3D इफेक्ट दे सकते हैं। इससे हमें ये फील आती है कि हमारा जो 2D स्पेस में एक चीज़ है वो एक 3D में पड़ी हुई है, बट वो होती नहीं है एक्चुअली, वो होती 2D में ही है। और इसको हम करते हैं फॉर्म एलिमेंट के थ्रू यूजिंग टू टेक्निक्स, जिसमें फर्स्ट टेक्निक शेडो एंड सेकेंड टेक्निक लाइटनिंग। प्लस हमने कुछ परस्पेक्टिव प्रिंसिपल्स देखे थे, जो एलिमेंट नहीं था डिजाइन के, बट डिजाइन प्रिंसिपल्स थे। परस्पेक्टिव तो उसको कहते हैं, दो टाइप ऑफ परस्पेक्टिव्स होते हैं, एरियल परस्पेक्टिव एंड लीनियर परस्पेक्टिव। एरियल परस्पेक्टिव में हमने देखा था कि हमें चीज़ें यूँ फील होती हैं कि हमारे डिजाइन में चीज़ें कहीं दूर तक जा रही हैं, और लीनियर परस्पेक्टिव इसके ऑपोजिट था कि डिजाइन कुछ इस तरह से बना होता है कि हमें चीज़ें करीब आती नजर होती है, अपने अपनी तरफ आती फील होती है। ठीक है, ये दो पर्सपेक्टिव्स थे। इनको हम थ्रू कलर्स, इनको हम थ्रू टेक्सचर्स और थ्रू डिफरेंट डिजाइन एलिमेंट या डिफरेंट डिजाइन टेक्निक्स हम ये चीज अचीव करते हैं, एरियल पर्सपेक्टिव और लीनियर पर्सपेक्टिव। इससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स भी देखी थी, जिससे रिलेटेड मटेरियल्स आपके साथ शेयर कर दिया गया। तो हम मूव करते हैं आज की क्लास की तरफ, और आज हम देखेंगे टू लास्ट एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन, जिसमें कलर था एंड टाइपोग्राफी। आज हम दो अपने ग्राफिक डिजाइन के एलिमेंट्स के टॉपिक को खत्म करेंगे। जो लास्ट टू एलिमेंट्स हमारे रह गए, कलर्स और टाइपोग्राफी, आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हमारी ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड थ्योरी की क्लास तकरीबन एक रह जाएगी, जिसमें हम ग्राफिक डिजाइन की सिमेट्री और अलाइनमेंट्स और प्रॉक्सिमिटीज, इन चीजों पर डिस्कशन कर लेंगे। प्लस हम फिर थ्योरी कंप्लीट करते ही कल से ही स्टार्ट करेंगे कैनवा को, और कैनवा को साथ साथ लर्न करेंगे, और साथ साथ जो हमने चीजें ग्राफिक डिजाइन एलिमेंट से रिलेटेड या टेक्निक्स से रिलेटेड चीजें लर्न की हैं इन लेक्चर्स में, प्लस इंक्लूडिंग आज का लेक्चर, हम उसको साथ साथ इम्प्लीमेंट करेंगे और खुद से ग्राफिक्स डिजाइन करने स्टार्ट करेंगे कल की क्लास से। इसमें आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे, इसमें आपके असाइनमेंट्स और ये सब कुछ भी होगा, और इसमें हमें रेगुलर फीडबैक भी चाहिए आपकी तरफ से। सो ग्राफिक डिजाइन एलिमेंट कलर्स, कलर्स आर द मोस्ट मोस्टेस्ट, अगर मैं इसको कह सकूं तो वो इंतहाई जरूरी एलिमेंट है ग्राफिक डिजाइनिंग का। कलर्स की अगर मैं आपको एग्जांपल ऐसे दूं कि जो चीज का पहले कुछ, अगर हम आज से कोई तकरीबन तकरीबन 40-50 साल पीछे चले जाएं, तो टेलीविजन होता था बट कलर्ड नहीं होता था। उसमें ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में हमें पिक्चर्स या ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में हमें मूवीज और वीडियोस या ड्रामास देखने को मिलते थे, बट जैसे ही एक कलर शिफ्ट
बूम आया इंडस्ट्री में, और जैसे ही कलर्ड टीवी की तरफ ये इंडस्ट्री मूव की तो लोगों का जो रुझान था वो टेलीविजन की तरफ इंक्रीज हुआ। अब इस इंक्रीज होने की रीजन क्या थी लोगों का रुझान, कि उसमें कलर्स थे ठीक है, और हमारा जो एक अल्लाह ताला ने सिस्टम एक इस तरह का देखने का बनाया हुआ है कि हमारी आंख जो है वो कलर्स से एसोसिएट करती है चीज़ों को, और कलर्ड इमेजेस और कलर्ड ग्राफिक्स को याद रखना हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा इजी होता है, रादर देन लाइक ब्लैक एंड वाइट में देखो डिज़ाइन हो या इमेज हो या वीडियो। तो कलर से एसोसिएशंस होती हैं हमारे माइंड की, कुछ एसोसिएशंस हैं कलर से रिलेटेड। एक पूरी कलर थ्योरी है, बेसिकली एक डीप टॉपिक है कलर्स से रिलेटेड ही। मैं आपको एक छोटी सी एक आपको पॉइंट बताता हूँ जिसपे आप भी सोचिएगा, और वो एक इस तरह का पॉइंट है कि जिसपे कोई बात करना चाहता है तो उससे बात होती नहीं है। एक फिलोसोफर ने ये कहा था कि इज योर रेड इज माई रेड, तो इस पे सोचिएगा आप भी कि इज योर रेड इज माई रेड, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कलर से रिलेटेड, कि जो डेफिनेशन आपकी माइंड की आपके माइंड में रेड की है वही मेरे माइंड में रेड की डेफिनेशन है क्या? या अगर मैं आपसे कहूँ कि डिफाइन रेड या डिफाइन ग्रीन, तो आप उसको क्या डिफाइन करेंगे? आपके पास वर्ड्स नहीं है, आप कुछ बोल नहीं सकेंगे। ये एक परसेप्शनल थॉट है, हर एक की एक परसेप्शनल माइंड व्यू, परसेप्शनल माइंड सेट का, जिसके मुताबिक वो रेड को रेड मानता है, ग्रीन को ग्रीन मानता है, येलो को येलो मानता है। तो कलर से कुछ एसोसिएटेड चीज़ें हैं हमारे माइंड में, हमारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी, हमारी मेंटेलिटी से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं जो कलर्स से एसोसिएटेड हैं। तो इसलिए कलर्स का यूज़ जो है, अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ कलर्स हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर्स ग्रैब्स अटेंशन इन फर्स्ट लुक। अगेन मैं आपको एग्जांपल दूंगा जो पहले भी मैं देता हूँ, कि आप सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे सर्फिंग कर रहे हैं, आप अप जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, स्क्रॉल अप कर रहे हैं, एकदम आपको कोई चीज अट्रैक्टिव लगी और आप उस पर रुके स्क्रॉल करते करते, वो आप रुके ड्यू टू कलर्स, ड्यू टू मल्टीपल एलिमेंट्स। आपको जो फर्स्ट लुक में चीज ने ग्रैब किया आपकी अटेंशन, वो कलर था। और अगेन वही बात के कलर से एसोसिएटेड कोई ना कोई आपका माइंड सेट है, आपके माइंड में कोई एसोसिएशन है रिलेटेड टू कलर, तो वो आप उसकी वजह से आप वहाँ पे रुके। बाकी बात की बात है कि आपने उसको देखा नहीं देखा, आपने उसमें इंटरेस्ट लिया नहीं लिया, बट एटलीस्ट आपकी अटेंशन उस डिजाइन ने, उस पोस्टर ने ग्रैब की एटलीस्ट, वो एक कलर के एलिमेंट की वजह से भी है, प्लस और तो बहुत से एलिमेंट्स होते हैं इसमें, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कलर। कलर्स हैव एसोसिएशंस। एसोसिएशंस का मतलब क्या है कि ताल्लुकात, आप यूँ समझ लें कि एक चीज एक कलर से एसोसिएटेड है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर वर्ड लूँ यहाँ पे स्ट्रॉबेरी बोलूँ, तो आपके फौरन माइंड में रेड कलर आएगा। मैं लेमन बोलूँ आपके माइंड में येलो कलर आएगा। मैं ऑरेंज बोलूँ आपके माइंड में ऑरेंज कलर आएगा। ठीक है, ये फ्रूट से रिलेटेड एक एसोसिएटेड कलर्स हैं। ठीक है, मैं कोई और जो स्पेसिफिक किसी चीज़ का या आइटम का आपके सामने नाम लूँ, या कोई आपको वैसे थीम बताऊँ कि यार मैंने एक जूस कंपनी है उसके कैन के लिए, उसका जो टिन कैन है वो टिन कैन प्रोवाइड करना चाहते हैं प्रोडक्ट अपनी, उनका जूस है, उनका जो जूस है वो मिंट बेस्ड है। ठीक है, उनका जो प्रोडक्ट है वो मिंटी है थोड़ा सा। ठीक है, उसके प्रोडक्ट का जो टेस्ट है वो थोड़ा कोल्ड है। तो हमारे फौरन, और मैंने उसके लिए एक पोस्टर डिजाइन करना है जो वो अपने टिन कैन पे प्रिंट कर सके, तो मैं जब फौरन इस थ्योरी को सुनूंगा या इस प्रॉब्लम को सुनूंगा, तो मेरे माइंड में फौरन मिंट क्लिक करेगा, और मिंट जैसे क्लिक करेगा मेरे माइंड में कोल्डनेस क्लिक करेगी, और जैसे ही वो क्लिक करेगी मेरे माइंड में कलर एसोसिएट होगा कि मैं ब्लू सा कलर यूज करूंगा, क्योंकि ब्लू इज एसोसिएटेड टू मिंट। आपने कैंडी बहुत से लोगों ने ट्राई की होगी बचपन में, बहुत से लोग खाते थे, एक सॉफ्ट मिंट के नाम से आती थी, वो होती भी ब्लू कलर की थी और उसकी पैकेजिंग भी ब्लू कलर की थी।
वो एक मिंट इफेक्ट था, तो मिंट से रिलेटेड जो कलर है वो ब्लू है, ठीक है, तो कलर की एक एसोसिएशन है। इसी तरह अगर मैं कहूँ लाइम, तो आपके माइंड में एक थोड़ा लाइमी सा एक ग्रीनिश टाइप कलर आएगा माइंड में। तो ये एग्जांपल है कलर एसोसिएशन की। एप्पल का हूँ मैं, आपके माइंड में रेड आएगा, ठीक है, मैं बनाना का नाम लूँ, आपके माइंड में येलो आएगा। तो ये डिफरेंट थ्योरी से, डिफरेंट कॉन्सेप्ट से, डिफरेंट आइटम से रिलेटेड कुछ कलर्स की एसोसिएशंस होती हैं, ठीक है। और ये कलर्स की एसोसिएशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखती हैं एज अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्ट्रॉबेरी के लिए, स्ट्रॉबेरी की प्रोडक्ट है किसी कंपनी की, और आप उनके लिए फेसबुक एड डिजाइन कर रहे हो जिसपे उन्होंने मार्केटिंग करनी है, ठीक है। तो अब अगर आपने उनकी एड ग्रीन कलर में बना दी और स्ट्रॉबेरी रेड कलर में है, तो वो आपका एक इमेच्योर बिहेवियर होगा, वो प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा एज अ ग्राफिक डिजाइनर। आपने कर लिए हैं, आपने उसमें बड़े अच्छे टेक्सचर्स दे दिए हैं, शेडोज लगा दिए हैं, वो बड़ा एक इफेक्ट अच्छे से डाल दिए, लेकिन आपने कलर ग्रीन पे कर दिया सारा काम, तो वो रिजेक्शन हो जाएगी आपकी वहीं पे। तो कलर इज ऑफ मच इम्पोर्टेंस, ठीक है, और आपने एसोसिएशंस देखनी होती। प्लस जो ब्रांड्स होते हैं ये अपने खुद के कलर डेवलप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर सामने आपको बायोटेफिक का लोगो नजर आ रहा है, तो बायोटेफिक के लोगो में ब्लू कलर है, ठीक है। अब ब्लू क्यों है, इसकी एक पूरी थ्योरी है, इसका एक पूरा कॉन्सेप्ट है, बट मेरे ब्रांड से एसोसिएटेड, बायोटेफिक के ब्रांड से एसोसिएटेड ब्लू कलर है, ठीक है। या अगर मैं किसी और बड़े ब्रांड की एग्जाम्पल लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यू फोन की एग्जाम्पल लेता हूँ, तो आपके माइंड में कलर ऑरेंज आया, ठीक है। मैं कोका कोला की एग्जाम्पल लेता हूँ, आपके माइंड में कलर रेड आया, ठीक है। तो ये एसोसिएशन है कलर्स की, डिफरेंट टाइप से भी, डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम से भी एसोसिएशन हो सकती हैं, कलर की एसोसिएशन ब्रांड से भी हो सकती है। ब्रांड्स जो है अपनी ब्रांडिंग करते ही इसीलिए कि वो अपने कस्टमर को एसोसिएट करवा सकें अपने ब्रांड से, उसका एक ताल्लुक क्रिएट कर सकें, ठीक है। पैटर्न डिजाइनिंग भी एक एग्जाम्पल है, हमने डिस्कस किया बड़ी अच्छे तरीके से फर्स्ट लेक्चर में कि पैटर्न डिजाइनिंग। एलवी की एग्जाम्पल ली थी, लुई वुइटॉन की, कि उन्होंने अपना एक पैटर्न बनाया हुआ, वो अपने हर ब्रांड प्रोडक्ट पे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो जस्ट इसीलिए कि ब्रांड कॉन्शियसनेस हो सके, ब्रांड अटेंशन हो सके। इसी तरह कलर्स भी ब्रांड्स के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। पेप्सी की अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, पेप्सी का कलर ब्लू एसोसिएटेड है उनके साथ, ठीक है। अब ये क्यों, इस तरह के कलर्स हमें किस बेस पे कलर्स डिसाइड करने होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट कलर्स की एक एसोसिएशन होती है, और हमने कलर्स को एसोसिएशन की ही वजह से अप्रोप्रिएट यूज करना होता है, सही यूज करना होता है, बेतुके कलर्स नहीं यूज करने होते। फर्स्ट कलर विल ऑलवेज बी अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन। अब जब हम कोई पोस्टर या कोई ग्राफिक या कोई डिजाइन कर रहे हैं, कोई भी चीज को एड डिजाइन कर रहे हैं, या कोई वैसे ब्रोशर डिजाइन कर रहे हैं, फ्लायर या बिजनेस कार्ड, कुछ भी जब हम डिजाइन कर रहे हैं, तो हमें उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट चाहिए होगी। हम डायरेक्ट डिजाइन करने कभी भी नहीं बैठेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ब्रांड के लिए लोगो डिजाइन करने जा रहे हैं इन फ्यूचर, ग्राफिक एज ए ग्राफिक डिजाइनर, तो आप कभी भी उसको ऐसे ही बस 1-2 घंटे में करके नहीं दे देंगे, और ये बेवकूफी होती है एज ए ग्राफिक डिजाइनर। उसका एक प्रोसेस होता है, उसका प्रोसेस ये होता है कि आप उस ब्रांड ओनर के साथ, या जो भी बंदा ब्रांड का रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी कंपनी अपना लोगो बनवाना चाह रही है, आप उसके साथ बैठें, आप उसके साथ डिस्कशन करें, आप उसकी थॉट्स देखें कि हाँ इसकी ये थॉट है, इसका ये गोल है, इसका ये विजन है कंपनी का, ठीक है। फिर आपको एक वहां से प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलेगी, फिर आपको एक थ्योरी मिलेगी उस ब्रांड के बारे में, एक पैराग्राफ्स आपको बनाना होगा, उसकी एसोसिएशंस आपको फाइंड करनी पड़ेंगी। फिर जब आपको वो एसोसिएशंस मिलेंगी कि यार ये ब्रांड हार्ड वर्किंग है, ये ब्रांड ट्रस्ट क्रिएट करना चाह रहा है, ये ब्रांड रिलायबिलिटी लेके आना चाह रहा है इन अ सेंस एक मार्केट में, ये ब्रांड कोई ऐसी यूनिक चीज इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है जो बाकी नहीं कर रहे, तो बड़ी कुछ चीजें हो सकती हैं जो आप देखेंगे, उसके साथ मीटिंग करके डिस्कशन करेंगे उसके साथ में क्लाइंट के साथ, ठीक है।
फिर आप उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि जब जनाब आप बताएं आप किस तरह का लोग हो चाहते हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। वो आपको एक थ्योरी सी देगा, वो आपको एक अपना सा थोड़ा सा रफ सा आइडिया देगा कि यार ये हो जाए हो जाए, ये आपके पास एक डेटा आएगा थोड़ा सा, ठीक है। इस डेटा को फिर आपने एनालाइज करना है, ठीक है। इस डेटा को एनालाइज आपने करना है कि अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैंने देखना है कि ये ट्रस्ट का एक फॉर एग्जाम्पल एक ट्रस्ट है पॉइंट, मेजर पॉइंट है कि ये कंपनी ट्रस्ट ड्रिवन कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी हार्ड वर्किंग है, मैं उससे रिलेटेड कलर्स ढूंढूंगा, ठीक है। आपको इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल होंगी सारी चीजें, ये विद इन अ मैटर ऑफ सेकंड ये आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है गूगल पे कि ट्रस्ट से रिलेटेड मुझे कोई कलर बताएं जी, मुझे कोई इंटेंसिटी मैंने हार्ड दिखानी है, मुझे कोई कलर दिखाएं क्या एसोसिएट हो गया। तो वो जो एक एसोसिएटेड कलर होगा ना उस चीज से, वो आपका फर्स्ट कलर होगा या प्राइमरी कलर, या आप उसको ये कह सकते हैं कि वो मेजर कलर है आपका आपके डिजाइन के लिए, ठीक है। अब हमने अपने डिजाइन में एक ही कलर तो यूज नहीं करना, ठीक है, हमने मल्टीपल कलर्स भी यूज हो सकता है करने हो, तो उसका क्या तरीकाकार है कि हम फिर उस एसोसिएटेड एक मेजर कलर से, जो हमने मेजर कलर फाइंड किया है उससे रिलेटेड फिर हम कलर व्हील पे जाएंगे, ठीक है। कलर थ्योरी में आपको भी बताऊंगा पढ़ाऊंगा सिखाऊंगा, उस कलर थ्योरी को इंप्लीमेंट करेंगे कलर व्हील पे, ठीक है। फिर हमें उससे रिलेटेड उस कलर से रिलेटेड कुछ और कलर्स मिलेंगे, फिर हमें कलर स्कीम बनाएंगे, ठीक है। जब हमारी कलर स्कीम फाइनल होगी देन फिर हम उसको किसी भी लोगो पे या किसी भी पोस्टर पे या किसी भी फ्लायर पे ब्रोशर पे इन सब चीजों पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं विद इन 1 मिनट कंटिन्यू करते हैं। जी अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मेरी वॉइस और स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ इजीली, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हो गया था, डेट्स वाई। क्या वॉइस ठीक है और स्क्रीन शेयर हो रही है या जी मुझे सर, करनी पड़ेगी? सर आवाज़ थोड़ी कटती किसी किसी टाइम, बाकी स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा 1 मिनट, अब बताएं आवाज ठीक आ रही है? जी सर, अभी ठीक है। अच्छा की शेयरिंग में अगर कभी इशू हो ना या वॉइस में कोई इशू हो तो मुझे बता दीजिएगा काइंडली, क्योंकि वो रात को बारिश हुई थी उसकी वजह से थोड़ा सा इंटरनेट का मसला चल रहा है आज। नेक्स्ट मूव करते हैं कलर से रिलेटेड। कलर स्कीम विल बी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कलर, ये मैंने आपको बताया अभी कि हम एक फर्स्ट कलर निकाल लेंगे, मेजर कलर उसको कहेंगे हम, वो हम निकाल लेंगे एसोसिएशन से, ठीक है। एसोसिएशन हम करेंगे थ्रू रिसर्च, ठीक है। उसमें आप क्लाइंट से, क्लाइंट का अगर काम कर रहे हैं तो आप क्लाइंट से इंटरव्यू लेंगे, आप क्लाइंट से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं कुछ तो आपको तो थ्योरी पता होनी चाहिए पहले, या आप मोस्ट प्रोबेबली एज अ ग्राफिक डिजाइनर आप किसी कंपनी के लिए ही काम कर रहे होंगे या आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे होंगे, ठीक है। जब आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे होते हैं इट मीन्स वहां पे आपके पास क्लाइंट है,
आपने उससे डिस्कशन करनी है, एक एसोसिएशन निकालनी है, ठीक है। अगर आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपका कोई बॉस होगा या आपका कोई पर्सन होगा एसोसिएटेड, जिसके थ्रू आपको वो प्रोजेक्ट मिला, तो आपने उससे चीजें और डिटेल्स लेनी है, ठीक है। फिर आपका एज अ ग्राफिक डिजाइनर ये आपकी ड्यूटी है कि आपने एनालिसिस करना है कि ये कलर मेजर कलर है, ठीक है, उसकी उसकी एक एसोसिएशन क्रिएट करना आपका काम है, ठीक है। जब हम प्रैक्टिकल में जाएंगे कैनवा पे, तब मैं आपको एक रिसर्च टाइप के करके भी दिखाऊंगा कि हमने ऐसे चीजों को देखना है, ऐसे हैंडल करना है, ऐसे एसोसिएशन निकाल लिए, ठीक है। फॉर द थ्योरी आप ये समझे कि एसोसिएशन इम्पॉर्टेंट है, कलर एसोसिएशन इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें टैक्सीज की, तो जिस कंट्री में टैक्सीज बहुत हैवीली इंडोर्स्ड होती हैं या चलती हैं वहाँ पे, या आप अगर इस्लामाबाद वाले साइड पे चले जाएं, यहाँ पे आपको टैक्सीज मिलेंगी, तो इनके कलर येलो में होते हैं। अगर इनका कलर येलो ना हो, तो ऊपर उनकी जो प्लेट्स ही लगी होती है वो हमेशा येलो होगी। इट मीन्स येलो कलर इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद अ टैक्सी, ठीक है। तो एक कलर के मल्टीपल एसोसिएशन हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक कलर की सिर्फ एक ही एसोसिएशन, ये जरूरी नहीं, ठीक है। आपने एसोसिएशन से रिलेटेड कलर, फर्स्ट कलर, मेजर कलर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने कलर स्कीम डिसाइड करनी है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कलर, ठीक है। वो आप जाए उसके लिए आप जाएंगे कलर व्हील पे। मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि कलर व्हील क्या होता है और कैसे हमने फर्स्ट कलर से बाकी कलर्स निकालने होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स, आगे है टाइप्स ऑफ कलर्स। दो ही टाइप्स ऑफ कलर्स होती हैं, या वार्म कलर होंगे या कोल्ड कलर होंगे पूरे कलर व्हील पे, या वार्म कलर्स होंगे या कोल्ड कलर्स होंगे, ठीक है। वार्म कलर्स इस तरह के होते हैं जो बहुत ज्यादा हार्श होते हैं, बहुत ज्यादा तेज कलर आप उसको कह लो, या बहुत ज्यादा आप कलर कह लो जो जिसको कहते हैं ना कि तड़कता भड़कता का सा कलर्स होते हैं, जो जैसे फायर के कलर हो गए, जैसे रेड हो गया, येलो हो गया, थोड़ा पर्पलिश हो गया, ब्राउन हो गया, जो डार्क से कलर होते हैं, ये होते हैं वार्म कलर्स, ठीक है। ये इनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है इसलिए इसको वार्म कहते हैं, ये थोड़े तड़कते भड़कते से होते हैं कलर्स। और कोल्ड कलर्स इसके ऑपोजिट होते हैं, थोड़े से नेचर से रिलेटेड, थोड़े से काम, थोड़े से रिलैक्सिंग, थोड़े से स्ट्रेस रिलीफ करने वाले जो कलर्स होते हैं उनको कहते हैं वार्म कलर्स, ठीक है। ये दो ही सॉरी कोल्ड कलर्स, ये दो ही टाइप्स ऑफ कलर्स होते हैं। और जो कोल्ड कलर्स होते हैं ये मोस्टली आपके नेचर से रिप्रेजेंटेटिव, नेचर के को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप समझ लें लाइट ब्लू कलर हो गया, लाइट येलो कलर हो गया, लाइम कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया, तो ये होते हैं कोल्ड कलर्स। मैं आपको आगे व्हील पे भी दिखाऊंगा कि ये कोल्ड है और ये वार्म कलर है। कलर थ्योरी कोई हवा नहीं है इसमें, कोई इतना कॉन्सेप्चुअल बातें नहीं है, सिर्फ इसमें तीन चार चीजें होती हैं वो हमने अंडरस्टैंड करनी होती हैं, वो ही पूरी कलर थ्योरी होती है। कलर थ्योरी हम क्यों यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कलर स्कीम सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है, नथिंग है। अब आ जाते हैं कलर व्हील के ऊपर, ठीक है। कलर व्हील में जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो रेड, येलो और ब्लू, यही तीन ऐसे कलर हैं जो प्राइमरी कलर हैं। अब प्राइमरी कलर क्या, कौन सा कलर होता है? प्राइमरी कलर एक ऐसा कलर होता है जो किसी और कलर से ना बन सके, ठीक है, वो खुद से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कुदरती तौर पे कुदरत ने सिर्फ तीन ही कलर हमें दिए, रेड, येलो और ब्लू, ठीक है, और इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी कलर्स। ये और किसी कलर से नहीं बन सकते, ये अलग अलग ही क्रिएशन है, ठीक है, ये एग्जिस्टिंग है, ये खुद से एग्जिस्ट करें, ठीक है, ये प्राइमरी कलर्स है। आपके माइंड में शायद एक क्वेश्चन आया हो कि हमने तो नाम सुना था आरजीबी का, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू, इसमें येलो कहाँ से आ गया? तो कोई पर्सन बता सकता है कि ग्रीन को येलो से क्यों, ग्रीन क्यों येलो से रिप्लेस हुआ? किसी को कुछ आइडिया है, कोई कॉन्सेप्ट है किसी के पास इससे रिलेटेड? ये आरजीबी होता है,
हमने तो आज भी सुना है, बट ये यहाँ पे येलो क्यों आ गया ग्रीन की जगह पे? जी एनीवन, किसी का कोई कॉन्सेप्ट हो इससे रिलेटेड, या उसको उसने कोई पहले इस बारे में रीड किया हो? मैं सर सर आर जी बी ही सुना है और आर जी बी ही देखा, मतलब आर जी बी रेड ग्रीन एंड ब्लू। आरजीबी ही बड़ी यूज होता है ना, बट इसमें ग्रीन नहीं है तो वो प्राइमरी नहीं है, आरजीबी प्राइमरी नहीं होता बेसिकली। ठीक है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखें, तीन ही कलर्स हैं, रेड येलो और ब्लू, ये ही प्राइमरी कलर है। जो कलर्स है ना, इसमें दो, आप यूँ लगा लें कि दो सेगमेंट्स आते हैं। एक सेगमेंट को हम कहते हैं पिगमेंट्स, ठीक है, दूसरे सेगमेंट को हम कहते हैं लाइट। ठीक है, दो सेगमेंट्स आप बना लें या समझ लें। एक थ्योरी में दो सेगमेंट्स होते हैं, एक होता है पिगमेंट्स और दूसरा होता है लाइट। ठीक है, अब पिगमेंट और लाइट में फर्क क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक टेबल पड़ा है, ठीक है, और वो वाइट कलर है, वाइट कलर का टेबल है। तो वो उस टेबल पे जो इस टाइम कलर है वो वाइट कलर है, ठीक है, वाइट एक न्यूट्रल कलर है। ठीक है, व्हाइट कलर का टेबल आपके सामने, अब वो जो व्हाइट कलर उस पर हुआ हुआ है ना टेबल पे, उस अटैच किया गया उस पर परमानेंट रहेगा। आपकी, ठीक है, सर आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि आवाज क्लियर है पहले से? अच्छा, सर अभी तो क्लियर है लेकिन दरमियान में ब्रेक होती है। थोड़ा सा ना इंटरनेट का आज इश्यू चल रहा है, बट मैं इसको ट्राई करूंगा कि ये कल तक रिजोल्व हो अच्छी तरीके से। आज थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। ओके सर। अच्छा, हम बात ये कर रहे थे कि एक टेबल है, एक लकड़ी का बना हुआ टेबल है, उस पे वाइट कलर किया हुआ किसी ने, पेंटेड है, ठीक है, वाइट कलर पेंट किया हुआ उसने उस पर, या स्प्रे से किया हुआ, बट वो कलर जो है उस पर परमानेंट है, वो ही वाइट कलर है उस पर, वो परमानेंट कलर है। ठीक है, जो कलर परमानेंट होता है ना किसी भी चीज पे, वो होता है पिगमेंटेड सेक्शन, या उसको कहते हैं पिगमेंटेड कलर। ठीक है, बट अगर मैं उस वाइट कलर के टेबल पे ब्लू कलर की लाइट प्रोजेक्ट करूं, ठीक है, या रेड कलर की लाइट प्रोजेक्ट करूं, या येलो कलर की लाइट प्रोजेक्ट करूं, तो क्या उस टेबल का कलर येलो में कन्वर्ट नहीं होगा, या ब्लू में, या किसी और लाइट में, ये किसी और कलर में, जो जिस कलर की मैं लाइट उस पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, क्या उसका कन्वर्ट होगा या नहीं होगा? सर वो नज़र इस तरह आएगा ना, मतलब कलर चेंजिंग फील हाँ होगी। हाँ सर चेंजिंग फील होगी, है ना? परमानेंट कलर तो चेंज नहीं ना होगा नहीं, परमानेंट कलर चेंज नहीं होगा। ये? जो लाइट है ना, ये आपकी आरजीबी पे चलती है, ठीक है, ये रेड ग्लू, रेड ग्रीन और ब्लू पे चलती है लाइट। ठीक है, जो पिगमेंट है ना, ये आपका प्राइमरी कलर पे ही चलता है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। जो चेंजिंग इफेक्ट आपको मिलता है ना, वो आरजीबी की वजह से मिलता है, और आरजीबी आपका लाइट सेगमेंट में यूज होता है। क्लियर? ठीक यस सर। है, पिगमेंट आप हटाएंगे वो हटेगा, अदरवाइज वो हटेगा नहीं। ठीक है, लाइट आप प्रोजेक्ट करेंगे वो कलर चेंज कर देगी, अदरवाइज वो नहीं करेगी। तो उसमें ग्रीन एलिमेंट होता है एक, वो लाइट कलर जो है वो आपका आरजीबी पे चलता है, वो प्राइमरी नहीं होता। ठीक है, प्राइमरी को चेंज कर सकता है बट टेम्परेरीली, नॉट परमानेंटली। ठीक है, अब इमेजिन उसी व्हाइट कलर के टेबल पे मैं ब्लू कलर का पेंट उसके ऊपर कोट कर देता हूँ, तो क्या होगा? उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो भी पिगमेंटेड कलर ही होगा, वो प्राइमरी की बेस पे ही चल रहा होगा। जो चीज उसके ऊपर अटैच है, जो जो चीज उससे लग नहीं हो सकती, वो परमानेंट है उसके ऊपर कलर, वो आपका प्राइमरी कलर है। जो कलर आप लाइट से प्रोजेक्ट करके गेट करते हैं टेम्परेरीली, उसको हम कहते हैं लाइट सेगमेंट का, या आरजीबी की वजह से वो टेक्निक आरजीबी कहलाती है बेसिकली। ठीक है, तो प्राइमरी कलर्स में रेड येलो और ब्लू ही होते हैं। अब रेड येलो और ब्लू को अगर हम मिक्स करें तो हमारे पास सेकेंडरी कलर्स आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हमने रेड और येलो को जब मिक्स करते हैं तो हमारे पास ऑरेंज आता है। ठीक है, ब्लू और येलो को जब हम मिक्स करते हैं हमारे पास ग्रीन आता है। ठीक है,
रेड और येलो के इन बिटवीन है ऑरेंज, इट मीन्स के रेड और येलो को मिक्स करने के बाद हमें ऑरेंज मिला है, ठीक है। तो ऑरेंज एक नेचुरल कलर नहीं है, ऑरेंज एक सेकेंडरी कलर है, ये इंसान के खुद की क्रिएशन। या आप यूँ समझ लें कि जो कुदरती तौर पे कलर बने थे उनको मिक्स करके एक न्यू कलर मिला, उसको कहते हैं सेकेंडरी कलर, ठीक है। येलो और ब्लू को हम जब मिक्स करते हैं या जब ये दो कलर्स मिक्स होते हैं तो ग्रीन आउटपुट देते हैं हमें, ग्रीन कलर के आउटपुट देते हैं, ठीक है। और रेड और ब्लू को जब हम मिक्स करते हैं तो ये हमें पर्पल की आउटपुट देते हैं, राइट, ठीक है। अब इसी सेकेंडरी कलर्स को जब हम आपस में मिक्स करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास बन के आता है एक पूरा कलर व्हील, ठीक है। ये जो आपके सामने थर्ड पे इमेज आ रही है ये कलर व्हील है, और इसको हम टेक्निकली कहते हैं टर्शरी कलर्स, ठीक है। प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स एंड टर्शरी कलर। टर्शरी कलर्स तो ऐसे कलर होते हैं जो सेकेंडरी करने वाले, ठीक है, सेकेंडरी कलर होते हैं जो प्राइमरी करने से। अब इसलिए सिर्फ ये याद रखना है कि प्राइमरी कलर हमारे पास रेड येलो और ब्लू होते हैं, इनको मिक्स करें सेकेंडरी कलर्स कुछ आएंगे। हमें कलर्स याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये सेकेंडरी है या ये, सिर्फ प्राइमरी याद रखें कि रेड येलो ब्लू। और टर्शरी में आपके पास फिर इनको मिक्स करेंगे तो मल्टीपल और कलर्स आते हैं, इनको कहते हैं टर्शरी कलर्स। जो आपके कलर हैं वाइट, ब्लैक एंड ग्रे, ये आपके न्यूट्रल कलर्स होते हैं हमेशा, ठीक है। ये किसी ना किसी कलर के साथ मिलके या तो उसकी लाइटनिंग या इंटेंसिटी को कम करेंगे या बढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रेड को वाइट के साथ मिक्स करूं तो वो रेड को थोड़ा सा लाइट रेड बनाएगा, ठीक है, लेकिन उसका कलर चेंज नहीं करेगा, होगा रेड ही, थोड़ा सेचुरेशन में कमी करेगा उसकी, ठीक है। ह्यूनेस जिसको आप कहते हैं, या कलर लाइट इफेक्ट उसमें थोड़ा सा काम करेगा, कलर बिल्कुल नया नहीं बना देगा वो, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल ब्लैक मिक्स करूँ येलो के साथ तो वो येलो को थोड़ा सा और डार्क करता जाएगा, ऑरेंज या ब्राउन की तरफ लेता जाएगा, लेकिन वो कोई न्यू कलर नहीं क्रिएट करेगा। तो ये जो ब्लैक, ग्रे या वाइट होते हैं ये इसलिए न्यूट्रल होते हैं क्योंकि ये किसी कलर में से कोई कलर न्यू निकाल नहीं सकते, ये न्यूट्रल है। सिर्फ उस कलर की इंटेंसिटी जो है, उसकी जो शिद्दत है, उसमें या इजाफा करेंगे या कमी करेंगे, और नथिंग एल्स, ठीक है। और इसी को सैचुरेशन कहते हैं, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सैचुरेशन का। सैचुरेशन का यही कॉन्सेप्ट है कि मिक्सिंग, ठीक है। जब आप लाइट कलर के साथ मिक्स करेंगे उसको लाइट इफेक्ट देगा, जब डार्क कलर के साथ किसी कलर को मिक्स करेंगे उसको डार्किश इफेक्ट देगा, तो इसको सैचुरेशन कहते हैं। सो बेसिकली टर्शरी कलर्स आपका एक पूरा कलर व्हील बनाता है, जो थर्ड पे आपको एक व्हील दिख रहा है, ये कलर व्हील्स होते हैं, ठीक है। अब हमने कलर व्हील तो देख लिया, कलर व्हील बनता कैसे, बन नहीं गया हमारे पास, बट हमारा अभी तक मसला यही है कि हमने फर्स्ट या मेजर कलर निकाल लिया, तो अब हमने इससे आगे अगले कलर कैसे निकालने, कलर स्कीम के लिए, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट कलर्स में। अब हम पहले एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि वार्म और कोल्ड कलर्स क्या होते हैं। कलर व्हील आपके सामने, ठीक है, जो थोड़ा सा बैक की तरफ आ रहे हैं ना कलर, इट मीन्स ये सैचुरेशन कम हो रही है, इसके साथ व्हाइट कलर मिक्स होके सैचुरेशन में कमी कर रहे हैं उसकी, ठीक है, कलर वही है वो, ठीक है। इसमें एक आपको सेंटर में लाइन नजर आ रही है कलर व्हील के ऊपर, ठीक है। लाइन से लेफ्ट साइड पर सारे कूल कलर्स हैं और लाइन से राइट साइड पे सारे वार्म कलर्स हैं। आपको इंटरनेट पे इजीली पिक्चर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है, आप वहां से भी देख सकते हैं या स्लाइड से भी देख रहे हैं आप। एक कोल्ड कलर या कूल कलर्स और वार्म कलर्स में एक डिफरेंस होता है, सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि जो वार्म कलर्स हैं थोड़े से हार्श कलर्स होते हैं, थोड़े से तेज रंग होते हैं, उनको हम वार्म कह देते हैं। थोड़े से जो नेचर के करीब रंग होते हैं, या थोड़े से जो लाइट या सूदिंग से, रिलैक्सिंग से जो कलर्स होते हैं, उनको हम कूल या कोल्ड कलर्स का नाम देते हैं, ठीक है। फायर को याद रखें, आग को जेन में रखें कि आग में जो कलर्स होते हैं बेसिकली वही आपके वार्म कलर्स होते हैं, इसीलिए इनको वार्म कलर्स कहा जाता है, क्योंकि ये सारे कलर्स तकरीबन जो है आग में, एक आग में होते हैं। आग में आपको रेड कलर भी मिलता है, आपको आग में ये जो एक थोड़ा पर्पलिश और पिंकिश सा कलर है ये भी मिलता है, आपको ऑरेंज कलर भी मिलेगा, येलो भी मिलेगा, और ग्रीन का भी थोड़ा सा इफेक्ट मिलता है आपको, इसलिए इनको वार्म कलर्स कहते हैं, ठीक है।
क्योंकि आग भी गर्म होती है, तो उसकी एसोसिएशन इन्होंने वार्म पे रखी है। तो जो कोल्ड कलर्स हैं ये बेसिकली आपको नेचर में मिलेंगे, पेड़ पौधों आसमान दरख्त इधर इस साइड पे आपको मिलेंगे, या आप इसको ये समझ सकते हैं कि थोड़ा सा जो कलर्स आपकी आंखों को रिलैक्स कर रहे हैं, सूदिंग इफेक्ट है जिनमें वो आपके कोल्ड कलर्स होते हैं। ये दो ही टाइप्स ऑफ कलर्स होते हैं कलर व्हील में। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कलर स्कीम्स, ठीक है। अब हमने फर्स्ट या मेजर कलर से कलर स्कीम निकाल ली बेसिकली, ठीक है। तो कलर स्कीम की भी तीन टाइप्स होती हैं, ये थोड़े से यहाँ पे कट रहा। कलर स्कीम की तीन टाइप्स होती हैं, एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, दूसरी होती है ट्रायडिक कलर स्कीम, और तीसरी होती है एनालॉगस कलर स्कीम। ये टेक्निकल टर्म्स एंड टाइप्स ऑफ कलर स्कीम्स के लिए। फर्स्ट हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम में आपको एक कलर व्हील नजर आ रहा है, ठीक है। इस कलर व्हील में एक लाइन है, यानी टू ऑपोजिट कलर्स, हमेशा टू ऑपोजिट कलर्स कलर व्हील पे आएंगे। अगर मैं आपको बड़े पिक्चर में कलर व्हील दिखाऊं तो ये देखिए, ये हमारे पास ऑरेंज है, ठीक है, ये ऑरेंज कलर है, ठीक है, ऑरेंज कलर है। इसके ऑपोजिट कौन सा कलर है, आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपने ये फर्स्ट कलर के बेस पे करना है। अब इमेजिन कि आपका फर्स्ट कलर है ऑरेंज कलर, ठीक है, आपका फर्स्ट कलर ऑरेंज कलर है। आपने ऑरेंज के ऑपोजिट देखना है कि कौन सा कलर है, अगर आप कंप्लीमेंट्री कलर स्कीम पे जा रहे हैं तो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ऑरेंज अगेंस्ट आपको ब्लू कलर मिलेगा, ठीक है, ये वाला, ये ऑरेंज है। अगर आप यहाँ से इसके ऑपोजिट देखें तो आपको ब्लू कलर मिलेगा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम होती है, इसमें दो ही कलर्स होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, और फर्स्ट कलर के हिसाब से आप उसका ऑपोजिट देख रहे हैं वो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम होगी। अब आपने कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम कब यूज करनी है, कंप्लीमेंट्री कलर स्कीम आप तब यूज करेंगे जब आप चाहते हैं कि मेरा कंट्रास्ट बहुत हाई कंट्रास्ट हो, ठीक है, बहुत हार्श या बहुत तेज कंट्रास्ट चाहते हैं आप, ठीक है। आपकी जो थॉट है या आप जिस चीज के लिए भी डिजाइन कर रहे हैं, आपको ये लगा कि यार इसके लिए तो कलर स्कीम ना थोड़ी हार्श चाहिए मुझे, ठीक है, तब आप जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम के ऊपर। थोड़ी मुझे कलर स्कीम तेज कलर्स की चाहिए, ठीक है। आप फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे मेजर कलर, ठीक है, तो आप उसका कंप्लीमेंट्री पे देखेंगे ऑपोजिट कलर कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट कलर पर्पल निकलता है, ठीक है, आप उसके ऑपोजिट देखेंगे कि मेरा कलर कौन सा, तो पर्पल के ऑपोजिट आपको कलर व्हील पे येलो मिलेगा। कलर व्हील इज इंटरनेशनली जर्नल, ये हर जगह पे कलर व्हील आपको सेम मिलेगा, कोई इसमें कलर आगे पीछे नहीं होगी, ठीक है। तो इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक ये कलर बने हुए हैं कलर व्हील पे। आप कलर व्हील पे देखेंगे सिंपली उसका ऑपोजिट कलर, वो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका रेड कलर बनता है, ठीक है, रेड, तो रेड के ऑपोजिट आपको ये तकरीबन फिरोजी सा कलर मिला। ये एक हार्श कलर स्कीम होती है, ये आप तब यूज करते हैं जब आपको लगता है कि यार थोड़ा सा मुझे ना कलर स्कीम को हार्श रखना है, तेज रखना है, तड़कता भड़कता रखना है, ठीक है, तब आप ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम पे जाएंगे। सेकेंड टाइप ऑफ कलर स्कीम आपकी होती है ट्रायडिक कलर स्कीम। फर्स्ट मेजर कलर के आगे आप उसका ट्रायंगल क्रिएट करेंगे, वो आपकी ट्रायडिक होगी। फॉर एग्जाम्पल इससे यहाँ पे मैरून से कलर को फर्स्ट मेजर कलर लिया है, ठीक है, उसके आगे आप ट्रायंगल क्रिएट करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ बड़े कलर व्हील पे कि आप कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका ये कलर है रेड, फर्स्ट मेजर कलर आपका रेड है, ठीक है। आप इसके ऑपोजिट तो आपको कंप्लीमेंट्री मिलेगा, ठीक है, बट कॉम्प्लीमेंट्री को यानी ऑपोजिट को छोड़ के जो साइडों पे कलर है ना, आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, बट रेकमेंडेड ये होता है कि एक दो कलर छोड़ के फिर आप जाएं। फॉर एग्जाम्पल आपके रेड के ऑपोजिट ये आ रहा है, एक कलर छोड़ दें इस कलर पे आ रहा है, ठीक है, ये कलर, सॉरी ये क्लिक हो गया, ये रेड के ऑपोजिट आए
ऑपोजिट तो हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम कम्प्लीमेंट्री पे नहीं जा रहे, बट हमने ऑपोजिट से ही ट्रायडिक पे जाना है। तो पहले हम आएंगे ऑपोजिट पे, रेड का ऑपोजिट ये है। तो यहाँ से एक कलर आप छोड़ेंगे लेफ्ट की तरफ, और ऑपोजिट से राइट की तरफ भी आप एक कलर छोड़ेंगे, तो ये आपकी बनेगी रेड ब्लू एंड येलो। ये आपकी एक कलर स्कीम बनेगी ट्रायडिक कलर स्कीम के हिसाब से। ये कब आप यूज करेंगे ट्रायडिक? जब आपको लगता है कि मैंने कलर्स को थोड़ा सा एक दूसरे से डिफरेंट भी रखना है, प्लस मैंने सूदिंग भी रखना है, ठीक है, तब आप इसको ट्रायडिक को यूज करेंगे। और मोस्ट केसेस में, बहुत सारे केसेस में ट्रायडिक कलर स्कीम ही यूज हो रही होती है, ठीक है। मोस्ट ग्राफिक्स में, मोस्ट डिजाइन्स में ट्रायडिक कलर स्कीम ही यूज हो रही होती है। अब फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट कलर या मेजर कलर ये पर्पल है, एक एग्जांपल, ठीक है, ये पर्पल कलर है, ये वाला आपका फर्स्ट कलर है। अब आपने ट्रायडिक कलर स्कीम के हिसाब से इसकी कलर जोन निकालने, तो आप आएंगे पहले ऑपोजिट पे, ठीक है, ऑपोजिट से लेफ्ट पे आप आएंगे एक कलर छोड़ेंगे ये वाला, और ऑपोजिट से राइट पे आप जाएंगे एक कलर छोड़ के ये वाला, ठीक है। सो ये पर्पल ऑरेंज एंड ये फिरोजी, ये आपकी कलर स्कीम बनेगी, ठीक है। इस कलर स्कीम के बेस पे आप आगे ग्राफिक्स को डिजाइन करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, अब इस कलर की लेते हैं एग्जांपल, हम ये थोड़ा सा डार्क पर्पल है, थोड़ा पिंकिश पर्पल है, थोड़ा डार्क पर्पल है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट या मेजर कलर है, हम इसके ऑपोजिट आएंगे, ठीक है। ऑपोजिट को तो हम नहीं ले रहे क्योंकि हम कंप्लीमेंट्री पे नहीं जा रहे। हमने ऑपोजिट से राइट साइड पे जाना है, एक कलर छोड़ना है, ये फाइनल किया, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आना है, एक कलर छोड़ना है, ये फाइनल किया, जो ग्रीन है जिसपे लाइन भी है। सो पर्पल ग्रीन एंड ये ऑरेंज, ये हमारी कलर स्कीम आएगी, ठीक है। ये हम तब यूज करेंगे जब हमें ट्रायडिक कलर स्कीम की तरफ जाना है, ठीक है। चल नेक्स्ट कलर स्कीम हमारे पास जो लास्ट कलर स्कीम होती है वो एनालॉगस कलर स्कीम। एनालॉगस कलर स्कीम तीन आपस के कलर्स ही होते हैं, तीन सबसीक्वेंट कलर्स ही होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कलर ग्रीन पे आ जाते हैं। हमारा मेजर कलर है रेड, ठीक है, हमारा मेजर कलर रेड है। हम इसका एक राइट वाला ले लेंगे और इसका एक लेफ्ट वाला ले लेंगे, बस सिंपल एज दैट। ये मेजर कलर है, इससे राइट वाला ले लेंगे और इससे लेफ्ट वाला ले लेंगे, ये एनालॉगस कलर स्कीम, ठीक है। ये मोस्टली हम यूज करते हैं बच्चों के जो टॉयज होते हैं उसमें यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमें चीजें बहुत सेम सेम रखनी होती है, कलर्स को बड़ा सेम सेम रखना है, तब हम वहाँ पे ये इस तरह की इस कलर स्कीम यूज कर सकते हैं, एनालॉगस कलर स्कीम, ठीक है। अगर हम इसको माने, इस कलर को माने फर्स्ट मेजर कलर, तो एक राइट से पकड़ लें एक लेफ्ट से पकड़ लें, ये आपकी एनालॉगस कलर स्कीम है। इसमें तीन सबसिक्वेंट कलर्स होते हैं, एक फर्स्ट में, एक फर्स्ट कलर के राइट वाला, एक लेफ्ट वाला। तो मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट करता हूँ तीनों कलर स्कीम्स को। फर्स्ट टाइप इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम इज टोटली ऑपोजिट, ठीक है। अब मैं आपको इसकी साथ एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम ऑरेंज को लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट कलर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम पे हम जा रहे हैं। फर्स्ट मेजर कलर हमारा ऑरेंज आ गया, इसके ऑपोजिट हमें कलर मिल रहा है ब्लू। तो अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि कहाँ पे यूज हुआ है या कहाँ पे ये कलर स्कीम यूज हुई है। आपने जियो न्यूज का देखा होगा आइकन या लोगो, दिखा देता चलिए। ये जियो न्यूज का लोगो है, तो इसमें आप देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम यूज हुई, ठीक है। ऑपोजिट दो कलर्स हैं, ब्लू एंड ऑरेंज, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट। ये एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम का यहाँ पे इन्होंने यूज किया हुआ है। सेकेंड हमारी कलर स्कीम होती है ट्रायडिक कलर स्कीम, ठीक है। अच्छा, अब ट्रायडिक कलर स्कीम में बेसिकली हमें तीन कलर्स मिलते हैं, बट जरूरी नहीं होता कि आपने तीनों के तीनों यूज करने ही करने,
कलर्स हमें तीन मिल जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसको लेते हैं, एक एग्जांपल पर्पल लेते हैं, एक एग्जांपल है, हम पर्पल को उठाते हैं, ठीक है, इसको इसकी ट्रायडिक बनाने की कोशिश करते हैं। इसका ट्रायडिक पे हमें सम फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपोजिट आएंगे, ठीक है, ऑपोजिट के तो हमने जोड़ना, ठीक है। अब ऑपोजिट से हमने एक लेफ्ट पे और एक राइट पे कलर छोड़ दें, तो अगर हम ऑपोजिट से लेफ्ट पे आते हैं कि कलर छोड़ा हमें ग्रीन मिला, ठीक है, ऑपोजिट से राइट पे जाते हैं कलर हमने छोड़ा हमें ग्रीन मिला, सॉरी ऑरेंज मिला, ठीक है। तो हमारे पास तीन कलर्स हुए, ग्रीन, पर्पल और ऑरेंज। अब जरूरी नहीं है कि हमने इन तीनों को यूज करना ही करना है, बट हमें कलर स्कीम एक मिली है तीन कलर्स की, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्पल, सेकंड ऑरेंज और थर्ड ग्रीन, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। फोन का आपने देखा होगा मोनोग्राम, देखे यू फोन में ट्रायडिक कलर स्कीम यूज की है, ठीक है, बट उसने मेजर कलर भी यूज नहीं किया, ठीक है, ग्रीन एंड ऑरेंज को उसने यूज किया, ठीक है, उसकी एसोसिएशन के हिसाब से उसने ग्रीन और ऑरेंज को यूज किया। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने फर्स्ट कलर को यूज करना ही करना है, फर्स्ट कलर आप सिर्फ फाइंड करते हैं एसोसिएशन के लिए, उससे रिलेटेड जो आपको और भी कलर मिलते हैं ना, वो भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसके साथ एसोसिएट ही होते हैं। ये प्रोफेशनल्स ने इसीलिए कलर स्कीम्स की एक पूरी थ्योरी बनाई है, तीन टाइप्स निकाली है, तो जरूरी नहीं है आपने फर्स्ट कलर यूज करने का ना, जैसे अब यू फोन का केस है, इन्होंने फर्स्ट कलर नहीं यूज किया, हालांकि इनका फर्स्ट कलर पर्पल है, ठीक है, इन्होंने नहीं यूज किया, इन्होंने अपने ट्राइडिक कलर स्कीम के हिसाब से ग्रीन और ऑरेंज को यूज किया, ठीक है। तो लास्ट एक एग्जाम्पल है हमारे पास एनालॉगस की, एनालॉगस कलर स्कीम। एनालॉगस कलर स्कीम ऐसी होती है, आप फर्स्ट या मेजर कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट या मेजर कलर हमने सेलेक्ट किया ब्लू को, ठीक है। अब इसमें एनालॉगस कलर स्कीम में आपने तकरीबन कलर्स को सेम रखना होता है, तो आप एक राइट पकड़ लेते हैं, एक लेफ्ट पकड़ लेते हैं, तीन आपको मिलती हैं, ठीक है, इसको कहते हैं एनालॉगस कलर स्कीम्स। इसकी आप डिफरेंट सैचुरेशन में जा सकते हैं, कलर्स को यूज कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल आपके सामने स्लाइड पे बायोडेफिक का मोनोग्राम शो हो रहा है आपको, ये एनालॉगस कलर स्कीम पर ही है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो मोनोग्राम है डेट इज ब्लू, ठीक है, नीचे जो राइट है, राइटिंग है, डेट इज ये वाला कलर, ये ब्लू वाला, ये डार्क ब्लू वाला, तो ये इसमें एनालॉगस कलर स्कीम यूज होगी। हम राइटिंग को ये कलर भी कर सकते थे, या हम मोनोग्राम को ये कलर सी ग्रीन भी कर सकते थे, बट वो ड्यू टू सम एसोसिएशंस हो गया, बट इसमें एनालॉगस कलर स्कीम को यूज किया, ठीक है। तो ये तीन कलर्स मिले हमें कलर स्कीम में, इस तरह से हम अपने कलर स्कीम को फाइनल करते हैं, ठीक है, और आगे फिर यूज करते हैं इन आर प्रोजेक्ट जो भी हम आगे करने जा रहे हैं। तो ये था हमारा कलर्स का टॉपिक। इसमें अगर किसी की कोई कंफ्यूजन या कोई इशू कलर स्कीम से रिलेटेड या कलर्स से रिलेटेड, तो काइंडली आप शेयर करें जी। किसी का भी कोई इशू कलर टाइप से रिलेटेड या कोई और इशू किसी का? नो सर। क्लियर है, कलर्स क्लियर है, कलर स्कीम क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, मैं अब आपको ना थ्योरी बताने के बाद एक और चीज, एक ऐसी एक वेबसाइट आपको बताता हूँ जहाँ से आपको ये इतना सारा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही कलर्स मिलेंगे वहां से, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप जाएंगे COOLORS कूलर्स करके नाम है, coolors.com नहीं .co, coolors.co। आप इस वेबसाइट पे आएंगे, इस वेबसाइट पे ना आपको, इस वेबसाइट पे आपको कलर स्कीम बनी नहीं मिलेगी, ठीक है, वो चाहे अब एनालॉगस पे हो, ट्राइडिक पे हो, इस पे भी हो, आपने वो आपका आपकी गर्ज है कलर स्कीम से,
आपको कलर स्कीम पूरी पूरी बनी रहेगी जो भी उससे एसोसिएटेड करेगा। आपने करना क्या है, स्टार्ट दी जनरेटर पे क्लिक करना। तो ये आपके सामने ना कुछ कलर स्कीम जनरेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप, अच्छा अब आपने नेक्स्ट कलर स्कीम पे जैसे जाना, आपने स्पेस बार सर आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक ऑफ है आपका। अच्छा अब माइक ऑन हो गया, ठीक है। कहाँ से आवाज कटी थी ये बताएं। सर जी वेबसाइट से, यहाँ वेबसाइट से, आपने बताई थी। ठीक है तो
मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि आप लॉक्स हटा के, हमने पहले लॉक्स लगाए थे कलर्स पे, आप हटा के कर सकते हैं ठीक है। इन केस आपको अगर फर्स्ट कलर पता है तब आप लॉक लगाएं ठीक है, बट आप इन जनरल अगर आप सर्च कर रहे हैं कलर स्कीम को, आपके पास एक थॉट है कि यार मैंने एक मेकअप ब्रांड के लिए एक पोस्टर डिजाइन करना है, तो उससे एसोसिएटेड आपको लग रहा है कि मेकअप से रिलेटेड कलर है ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेकअप से रिलेटेड एक ये इंपॉर्टेंट कलर है, मैं इसको लॉक कर लेता हूँ ठीक है। अब इसी कलर से एसोसिएटेड मुझे और देगा, अगर आपको लग रहा है कि और भी इसमें कलर्स ऐसे हैं जो मेकअप प्रोडक्ट से एसोसिएटेड हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इसको भी लॉक कर लेते हैं, इसको भी लॉक कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए, तो ये तीन कलर्स हमें लगा कि ये अच्छे कलर्स हैं मेकअप प्रोडक्ट से या मेकअप के जो ब्रांड है इनसे एसोसिएटेड है, तो आप इनको लॉक करें, मजीद कलर वो आपको इनसे एसोसिएटेड खुद ही देता जाएगा ठीक है। जहां पे आपको लगे कि मेरी कलर स्कीम फाइनल हो रही है, मेरी कलर स्कीम ठीक बन रही है, अच्छी बन रही है, वहां पे आप इसको फाइनल करेंगे ठीक है। और यहाँ या आपको लगे कि मुझे न्यू आइडियाज नहीं दे रहा, तो एक आधा आप कलर अनलॉक कर दें ठीक है। अनलॉक करके भी जैसे ये भी देखें एक अच्छी उसने कलर स्कीम दी है मेकअप प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब हमने जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमने इन सारे कलर्स को यूज करना ही करना है, ये जरूरी नहीं होता ठीक है। जरूरी ये होता है कि हम कौन सा कलर किस टाइम पे कैसे यूज कर रहे हैं। कलर सभी अच्छे होते हैं, हो सकता है यहाँ देखने में आपको इतने अच्छे ना लग रहे हैं, बट कलर सभी अच्छे होते हैं ठीक है। इसका मैं आपको कल की क्लास में एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, इंटरेक्शन विद कलर्स ठीक है। इंटरेक्शन विद कलर्स में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस कलर पे कौन सी कलर स्कीम के हिसाब से कैसे चलना है आप डिजाइन को लेके ठीक है। तो आप यहाँ से clueless.com पे जाके कलर स्कीम जो है फाइंड कर सकते हैं, लॉक भी कर सकते हैं कलर्स को ठीक है, और इसी तरह से आप कोई कलर फाइनल करके आगे चले। तो ये हमारा कुछ कलर्स का टॉपिक था, कोई कंफ्यूजन किसी की या किसी की कोई क्वेश्चन हो किसी का तो काइंडली आप शेयर करें। तो फिर हमारा एक लास्ट टॉपिक है टाइपोग्राफी का, उसको भी हमने कवर करना है जी। सर क्लियर है? ओके क्लियर है सब कुछ, सबको क्लियर है, कोई किसी की कोई कंफ्यूजन तो नहीं कलर व्हील या कलर थ्योरी से रिलेटेड या कलर स्कीम से रिलेटेड। कलर स्कीम बहुत इम्पोर्टेंट है जी, मुबशर आप कुछ कहने लगे थे। सर, यही कहना था कि समझ आ गई है, कोई इशू नहीं है। ओके ओके अच्छा, कलर स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है ठीक है। कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये दोनों चीज़ें इनको इग्नोर नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कलर स्कीम अगर आपने अच्छी डिसाइड या चूज नहीं की तो फिर आपका वो डिज़ाइन जो है वो उठेगा ही नहीं बिल्कुल ही ठीक है। तो हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ को कभी इग्नोर नहीं करना ठीक है। ऑल्दो ये एंड पे थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ मैं टॉपिक, बट ये पहले काम करने वाला है कलर स्कीम वाला ठीक है। पढ़ाना इसको बाद में इसलिए ज़रूरी था कि क्योंकि थोड़ा हैवी टॉपिक था, सिंपल चीज़ों से हमने थोड़ी डिफिकल्ट चीज़ों की तरफ आना होता है, बट जब आपको एक पूरा ब्रॉडर व्यू मिल जाएगा ना पूरे ग्राफिक डिज़ाइन का, तब आपको खुद समझ आएगा कि मैंने किस चीज़ को कैसे यूज करना है। बस हम प्रैक्टिकल भी करेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट मूव करते हैं टाइपोग्राफी। अच्छा, व्हाट इज टाइपोग्राफी? टाइपोग्राफी इज सिंपली टेक्स्ट, टेक्स्ट को ही टाइपोग्राफी कहते हैं ठीक है। तो ये एक टेक्निकल टर्म दिया हुआ है, टेक्स्ट को या फॉन्ट्स को, कौन सा फॉन्ट या कौन सा टेक्स्ट मैंने यूज करना है डिजाइन में, कौन सा नहीं करना, इस चीज का फैसला टाइपोग्राफी करवाती है ठीक है। कैसे यूज करना है इस चीज का फैसला टाइपोग्राफी करवाएगी आपको, ये एलिमेंट यानी ये एलिमेंट इज रिलेटेड टू टेक्स्ट या फॉन्ट्स के, मैंने कौन सा फॉन्ट यूज करना है किस टाइम ठीक है। हर एक फॉन्ट जिस तरह एक कलर से एसोसिएशन होती है ना किसी ना किसी चीज की, इसी तरह फॉन्ट से भी किसी ना किसी चीज की एसोसिएशन होती है हमेशा ठीक है। तो जब हमने एसोसिएशन के रिसर्च के बाद एसोसिएशन के लिए कलर फाइंड करना है ना कि मेरा कौन सा कलर एसोसिएट है इस मेरी थॉट से,
तब आपने टाइपोग्राफी या फॉन्ट भी सर्च करना है कि मेरा इस पार्ट से या मेरा इस कलर से या मेरे इस चीज से कौन सा फॉन्ट एसोसिएट कर रहा है। फॉन्ट्स की भी अपनी एक नेचर होती है, ठीक है, टेक्स्ट की भी अपनी एक नेचर होती है, ठीक है, ये भी कुछ ना कुछ बोलते हैं, अल्फाज बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा, कहावत सुनी होगी, अल्फाज बोलते हैं। तो ये सच बात है कि अल्फाज बोलते हैं, ठीक है। अगर आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, सारा कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, आपने फॉन्ट अच्छा नहीं ना लिखा तो वो सारा पुअर हो जाएगा डिज़ाइन, आपका मज़ा नहीं आएगा उसमें। तो फॉन्ट्स की भी कलर्स की तरह बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत अहमियत है इनकी, टाइपोग्राफी की भी। टाइपोग्राफी हैज़ अ विजुअल इम्पैक्ट ऑन द होल डिज़ाइन। होल डिज़ाइन पे गौर करना आपने, के पूरे डिज़ाइन पे जो एक चीज का इम्पैक्ट होता है ना, वो टाइपोग्राफी का होता है, क्योंकि पढ़ता है इंसान इस चीज को। जब उसको एक डिजाइन या पोस्टर एक चीज पसंद आती है, अच्छा हो सकता है कि आपके किसी डिजाइन में सिर्फ टेक्स्ट ही हो। आपने शादी कार्ड देखे होंगे, उसमें सिर्फ टेक्स्ट ही होता है ज्यादा, और क्या होता है, कुछ भी नहीं, टेक्स्ट ही ज्यादा होता है ना उसमें, कोई आर्ट वर्क तो ज्यादा नहीं होता, या उसमें एलिमेंट्स तो बहुत ज्यादा नहीं उसके, तो सिर्फ डिजाइनिंग होती है। लेकिन आपका मेजर कंटेंट क्या होता है, वो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट एलिमेंट या टाइपोग्राफी एलिमेंट उस एक डिजाइन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो बुरा लिखा हो तो आप पढ़ेंगे नहीं, आपको कोई चीज समझ नहीं आएगी उसमें, ठीक है। अगर कोई टेक्स्ट उसमें या फॉन्ट उसमें इस तरह का उसने यूज कर लिया, देखे ना, मौका एक खुशी का, ठीक है, एक शादी से रिलेटेड आप कार्ड, एक इवेंट है उसका इन्विटेशन दे रहे हो, और आपने उसमें फॉन्ट डाल दिया डरावना सा, ठीक है, जस्ट बिकॉज आपको अच्छा लग रहा था, आपने उसमें फॉन्ट डाल दिया कोई ग्रैंजर टाइप, कोई बहुत ही, या आपने उसमें तड़कता भड़कता इस तरह का फॉन्ट डाल दिया जो बड़ा यूज होता है मिस्ट्रीज के नॉवेल्स में या इस तरह की चीजों में, तो फिर उसका क्या ही इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो उसके अब एक शादी का मौका है, उसकी एसोसिएशन खुशी से है, डेकोरेशन से है, तो हमने उस तरह के फॉन्ट सिलेक्ट करने होते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। इट शुड कंपनसेट द होल डिजाइन एलिमेंट्स। होल डिजाइन पे आपने फोकस जरूर करना है। होल डिजाइन का मतलब है का पूरे का पूरा डिजाइन, मतलब उसमें कलर्स हैं, उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ ये कंपनसेट करना चाहिए, उनके साथ ये अच्छा लगना चाहिए, उनके साथ ये उठ के आना चाहिए। ये ना हो कि यही उठ के आ जाए और बाकी एलिमेंट्स डाउन हो जाएं, या बाकी एलिमेंट्स उठे उठे फील हों और ये डाउन फील हो, तो ये कंपनसेट करना चाहिए इन बाकी चीज़ों के साथ भी। तो अगर मैं इन जनरल आपको बताऊँ ना, ग्राफिक डिज़ाइन में आप जो भी कर रहे हो ना, बेतुक्का नहीं होना चाहिए, सिंपल एज दैट। कुछ भी कर रहे हो ग्राफिक डिज़ाइन में, अपनी तरफ से कोई क्रिएटिविटियाँ नहीं है एक्सेस मारनी के मैं ये भी डाल देता हूँ, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी वो नहीं करना काम। जो एसोसिएटेड चीजें हैं ना, जो ठीक चीजें हैं, जो सही चीजें हैं, सिर्फ वही आपने ग्राफिक डिजाइन में डालनी है। आपको बेशुमार चीजें मिलती हैं ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड, बट सालों से हमारा काम नहीं होता। इट कैन मेक और ब्रेक योर होल डिजाइन। या तो ये आपके पूरे डिजाइन को अच्छा कर देगा, या ये आपके पूरे डिजाइन को बुरा कर देगा, बस इतनी सी बात है। इसलिए टाइपोग्राफी इंपॉर्टेंट है कि ये आपके, जैसे मैंने आपको वो कार्ड्स की एग्जांपल दी, इनविटेशन कार्ड्स की, अगर आपने उसमें फॉन्ट इस तरह का डाल दिया तो वो आपका पूरा वो कार्ड ही, इनविटेशन कार्ड ही बेकार है। या तो आपका फॉन्ट की सिलेक्शन अच्छी है तो वो फिर ठीक है। अच्छा, एक चीज होती है टाइप फेसेस। अब हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि हमने कौन सा फॉन्ट टाइप सेलेक्ट करना है, ठीक है, हम इस पर डिस्कशन करेंगे, हमने क्या सेलेक्ट करना है। टाइप फेस होता है जो हमें हेल्प करेगा एक टाइपोग्राफी में उसको सेलेक्ट करने के लिए, फॉन्ट को सेलेक्ट करने के लिए या टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए कि कौन सा सेलेक्ट करना है। अब टाइप फेस क्या होता है, ठीक है, टाइप फेस मीन्स फॉन्ट फैमिलीज एंड इम्पॉर्टेंट टू सेलेक्ट द फॉन्ट, ठीक है। टाइप फेस इंपॉर्टेंट है सेलेक्ट करने के लिए फॉन्ट को,
और ये इसको टेक्निकली कहते हैं फॉन्ट फैमिली। फॉर एग्जांपल, शायद आप में से काफी लोगों को पहले पता हो, शायद आप लोगों का शायद काफी लोगों के लिए नई चीज हो, बट ये इम्पोर्टेंट बहुत है। हर एक फॉन्ट की ना एक फॉन्ट फैमिली होती है, और मेजर फॉन्ट फैमिलीज होती हैं आपकी सेरिफ एरियल सैंस, सेरिफ डेकोरेटिव फैमिलीज, ये एक इम्पोर्टेंट फैमिलीज होती है। ठीक है, इनके अंडर फॉन्ट्स के नाम होते हैं, फॉन्ट्स आते हैं। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इजी करके अगर बताऊँ, एक फॉन्ट फैमिली होती है सेरिफ के नाम से, फॉन्ट फैमिली का नाम है सेरिफ। ठीक है, उस सेरिफ के अंदर ना डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स होंगे। ठीक है, वो जो सेरिफ है ना, जो फॉन्ट फैमिली, वो उसको कहते हैं टाइप फेस। ठीक है, और टाइप फेस की एसोसिएशन होती है किसी ना किसी चीज के साथ। मतलब अगर मैं आपको इंटरनेट पे बताऊं, लेके जाऊं दिखाऊं, थोड़ी सी हम रिसर्च करेंगे, हम लेकिन पॉपुलर टाइप फेसेस हमारे पास निकल के आएगा इन ग्राफिक डिजाइन। उसने वैसे ही बता दिया कि ग्राफिक डिजाइन में कौन से मोस्ट पॉपुलर फॉन्ट्स होते हैं। अब ये फॉन्ट्स बता रहा है, टाइप फेसेस नहीं बता रहा। मैं आपको टाइप फेसेस के बारे में बताता हूँ आगे। यार हम इसमें पढ़ लेते हैं नीचे, ये देखें उसने नीचे नीचे ये दिया, उसने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप फेसेस। सेरिफ होती है, सेंस सेरिफ होती है, स्क्रिप्ट होती है, मोनोस्पेस्ड होती है, एंड डिस्प्ले होती है। ये होती है फॉन्ट फेसेस या फॉन्ट फैमिलीज या टाइप फेसेस। ठीक है, इनको इसको आपने खुद भी सर्च करके एक दफा याद रखिए ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट या पॉपुलर ये होती हैं। अब यही ज्यादा मॉडर्न एज में यूज होती हैं। पांच ही हैं सिर्फ, सेरिफ, सेंस सेरिफ, स्क्रिप्ट, मोनोस्पेस और डिस्प्ले। ये आप खुद से याद कर लेना इंटरनेट से निकाल के, एक और इसमें ऐड कर लें डेकोरेटिव। ठीक है, ये फॉन्ट फैमिलीज होती हैं या ये टाइप फेसेस होती हैं। इन टाइप फेसेस के अंदर डिफरेंट फॉन्ट्स होते हैं, जैसे सेंस सेरिफ के अंदर आती है हेलवेटिका, फ्यूटरा। ये मैंने याद थोड़ी थोड़ी रखी हुई है, तो आपको भी खुद से याद करनी पड़ेंगी इनको, तो इस पर थोड़ा टाइम लगाएं। ठीक है, जरूरी नहीं है आपने सारी याद रखनी, सिर्फ आपको पता हो कि यार ये चीजें होती हैं। ठीक है, या आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप डिजाइन बना रहे हो या बनाने लगे, तब आप एक दफा थोड़ी सी इस पर रिसर्च कर रही हैं कि जनाब क्या है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको अभी नीचे बता देता हूँ कि कौन सी हम ग्राफिक डिजाइन में ज्यादा फॉन्ट फैमिलीज रखते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे लेस इज मोर का रूल, यहाँ पे मैं ऊपर आऊँ, लेस इज मोर का क्या मतलब, कोई पर्सन मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि लेस इज मोर का क्या मतलब है? इधर टाइप फेसेस में लेस इज मोर का क्या मतलब हुआ? जी, एनीवन कोई बता सकता है व्हाट इज लेस इज मोर? जी अरसलान, आप बता सकते हैं लेस इज मोर का क्या मतलब है इधर? नो सर, नहीं नहीं, कोई भी आइडिया, किसी और को कोई आइडिया है कुछ इस बारे में? चले, नो सर, नो आईडिया। ओके, लेस इज मोर का मतलब ये है, हमें बनना नहीं चीजों को फॉन्ट से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल,
पे लिखा था नेवर एवर यूज मोर देन टू फॉन्ट्स इन वन डिजाइन, एक ग्राफिक के लिए, एक ग्राफिक डिजाइन में या एक जब आप डिजाइन कर रहे हैं या पोस्टर डिजाइन कर रहे हैं उसमें दो से ज्यादा फॉन्ट नहीं यूज कर सकते। ठीक है, आपने पहले टाइप फेस सिलेक्ट कर ली, फॉन्ट फैमिली सिलेक्ट कर ली कि मैं ये सिलेक्ट करूंगा, फिर उससे रिलेटेड आपको फॉन्ट्स मिलेंगे। जैसे मैं आपको गूगल पे दिखाता हूँ एक मिनट में, फॉर एग्जाम्पल हमने सेरिफ सिलेक्ट की है फैमिली, ठीक है सेरिफ। तो हम गूगल पे सिंपल जाकर सर्च करेंगे फॉन्ट्स इन सेरिफ, ठीक, ये हमें कुछ फॉन्ट्स देगा। फॉन्ट्स इन सेरिफ देखिए उसने हमें दिया टाइम्स न्यू रोमन, एक क्या नाम है गैरमेंट हो सकता है, जॉर्जिया फॉन्ट हो सकता है, कुरियर नहीं हो सकता। अब आप इनमें से कोई दो ही सिलेक्ट करेंगे अपने लिए, अपने डिजाइन के लिए, ठीक है, और उन पे आगे चलेंगे। ठीक है, अब मैं इसी तरह अगर सैन सेरिफ में देखता हूँ, सैन सेरिफ फॉन्ट फैमिली के फॉन्ट्स में अगर देखना चाहूँ कि फॉन्ट्स इन सैन सेरिफ, व्हाट आर कॉमन सैन सेरिफ फॉन्ट्स, तो वो आपको बता रहा है बर्लिन सैंस हो सकता है, एस्पाई सैंस हो सकता है, गौतमी के नाम से है कोई, ये हो सकता है। ठीक है, और कुछ देख लेते हैं, या आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं सैंस सेरिफ फॉन्ट्स, आपको देगा कुछ फॉन्ट के नाम। देखिए 22 मोस्ट पॉपुलर सैन सेरिफ फॉन्ट्स कौन कौन से हैं जी, सैन सेरिफ में हेलवेटिका नाम हो सकता है, प्रॉक्सिमा नोवा, फ्यूचरा, पब्लिक सैंस, ये भी कुछ है इसका नाम मुश्किल से, VVDS 50s, VVDS 50s, ठीक है, 1955 फॉन्ट का नेम, लेरोसॉफ्ट, ओपन सैंस। तो ये कुछ फॉन्ट्स हैं जो किस फैमिली के अंदर है या किस टाइप फेस के अंदर है, ये हैं सैंस सेरिफ के अंदर, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर सैंस सेरिफ फॉन्ट्स। ठीक है, तो टाइप फेस हमने सेलेक्ट करनी है, टाइप फेस के हिसाब से फिर हमने फॉन्ट्स को सिलेक्ट करनी है। मैम हम प्रैक्टिकली करेंगे, मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा कि हम कैसे टाइप फेस अब सिलेक्ट करें अपने इस डिज़ाइन के लिए और कैसे फिर उसका एक फॉन्ट सेलेक्ट करें। अभी थ्योरी चल रही है तो थ्योरी में आप इसको थोड़ा हजम करने की कोशिश करें कि हम पहले टाइप फेस सेलेक्ट करेंगे एसोसिएटेड टाइप फेस अपनी थॉट से रिलेटेड, फिर उसमें हम फॉन्ट्स ढूंढेंगे। जैसे हमने टाइप फेस सैन सेरिफ सेलेक्ट की, ठीक है, फॉन्ट्स फिर हम उसमें देखेंगे और फिर हम आगे, और हम दो से ज़्यादा फॉन्ट्स यूज नहीं करेंगे, जनरल रूल है ग्राफिक डिजाइनिंग का कि भाई दो ही फॉन्ट्स यूज करो, ज़्यादा नहीं यूज करो। सम रेगुलरली यूज टाइप फेसिस आर, अब जो मैंने आपको बताया था कि कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप फेसिस हैं जो ग्राफिक डिजाइन में यूज होती हैं, उनमें से तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सेरिफ है, सेरिफ यूज होती है क्लासिकल डिजाइन्स के लिए, न्यूज पेपर्स के लिए, बुक्स के लिए, आर्टिकल्स के लिए एक्स्ट्रा, यानी इस तरह का जो स्टाफ होता है जिसमें इंफॉर्मेशन देनी होती है हमने, कोई प्रिंट मीडिया हो गया आपका, न्यूज़पेपर हो गए आपके, मैगजीन्स हो गए आपके, आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, या कोई आप इस तरह का डिजाइन बना रहे हो जो थोड़ा क्लासिकल है, थोड़ा क्लास बेस। आप देखो ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप एक ब्रांड के लिए काम कर रहे हो, ये मेखल जो खाड़ी वाले हैं ना, आई थिंक सो ये सेरिफ फैमिली को यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि इनके पीछे एक थॉट है इनकी कि हमारी एक क्लास है, हमारे कपड़े की एक क्लास है, क्लासिकल है हमारा एक कपड़ा, ठीक है, उनकी एक थॉट है, उससे रिलेटेड ही उन्होंने अपना ब्रांड का कलर रखा है, उससे रिलेटेड ही उन्होंने अपनी टाइप फेस रखी हुई। आई थिंक हार्डी है कि पता नहीं कोई और है, बट एक ब्रांड है पाकिस्तान में ऐसा जो अपनी टाइप फेस सेरिफ को यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि
उनके पीछे उनकी थॉट के हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये थोड़ा क्लासी नेचर का है, ठीक है। अब उनके जब आप पोस्टर्स या उनके जब आप एड्स देखते हैं ना, वो भी थोड़े क्लासिकल से डिजाइन होते हैं, ठीक है। तो हर ब्रांड के साथ एसोसिएटेड एक चीज होती है, एक थॉट होती है, उसी को लेके फिर वो आगे चल रहा होता है, उसी से रिलेटेड वो फिर आगे चीजें कर रहा होता है, ठीक है। ठीक, क्लासिकल डिजाइन के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए, जहाँ पे भी आपका राइटिंग कंटेंट आएगा, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स हो गए आप लिखते हैं, या आप न्यूज़पेपर्स में कई दफा पूछ, या कोई ऐसा आपका काम जहाँ पे आपने कोई इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के प्रपोजल्स होते हैं उनका डिजाइन करना होता है, तो उसमें आप सेरिफ फैमिली को यूज कर सकते हैं। इसका कोई भी आप फॉन्ट यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, सारों का स्ट्रक्चर सेम ही होगा। ये थोड़े एजी फॉन्ट होते हैं इस तरह के, ठीक है। जैसे आपको ये थोड़े से एज निकले दिख रहे हो शायद, तो ये एक सेरिफ फॉन्ट होता है। दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हम फॉन्ट यूज करते हैं वो सैंस सेरिफ फॉन्ट फैमिली टाइप फेस, सैंस सैंस सेरिफ। बहुत सी जगहों पे सैंस सेरिफ यूज होता है, डिजिटलाइजेशन के लिए तो उभरता हुआ फॉन्ट है, मॉडर्न फॉन्ट है, बहुत मॉडर्न फॉन्ट है सैंस सेरिफ। मोस्टली यूज फॉर वेबसाइट्स, बहुत सी वेबसाइट्स में सैंस सेरिफ फॉन्ट टाइप फेस यूज होती है। जैसे आप आईटीफिक की अगर ऑफिशियल वेबसाइट देखें या कम्युनिटी साइट भी देखें, इसमें सैंस सेरिफ टाइप फेस यूज हुआ है। कम्युनिटी साइट पे ओपन सैंस को यूज किया गया और ऑफिशियल वेबसाइट में पोपिंस को यूज किया। पोपिंस भी सैंस सेरिफ का फॉन्ट है और ओपन सैंस भी सैंस सेरिफ का फॉन्ट है। तो ये वेबसाइट्स में यूज होता है, मोबाइल एप्स में यूज होता है, मॉडर्न डिजाइन्स में यूज होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। जो मॉडर्निज्म होता है ना, अगर आपने मॉडर्निज्म दिखाना है, डिजिटलाइजेशन दिखानी है, उन जगहों पे आप सैंस सेरिफ का कोई अच्छा सा फॉन्ट यूज करेंगे। आगे बात आ गई डेकोरेटिव की। डेकोरेटिव पे बड़ी अच्छी बात हम कर चुके हैं पहले, ठीक है। डेकोरेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉन्ट फैमिली है। डेकोरेटिव से डेकोरेटिव आप कहाँ पे आप यूज करते हैं, आप अपनी स्क्रिप्टिंग वगैरह में यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आपने बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट्स लिखने होते हैं वहां पे डेकोरेटिव फॉन्ट्स को यूज कर सकते हैं। प्लस इसकी एसोसिएशन होती है एक हैप्पीनेस के साथ, तो प्लस इसकी सिर्फ हैप्पीनेस के साथ नहीं होती, फैंसीनेस के साथ भी इसकी एसोसिएशन, ठीक है। जहाँ पे आपने चीजों को थोड़ा फैंसी करके दिखाना है ना, वहां पे आप डेकोरेटिव फॉन्ट फैमिली में से कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं। जहाँ पे आपने थोड़ा अपने टाइटल्स को डेकोरेटिव दिखाना है, मतलब जहाँ पे आपने डेकोरेटिव एलिमेंट, डेकोरेशन का एलिमेंट यूज करना है ना, वहाँ पे आप डेकोरेटिव फॉन्ट फैमिली को यूज करेंगे। इससे रिलेटेड भी आप फॉन्ट ढूंढेंगे डेकोरेटिव, और फिर उसमें ये तीन मेन ब्रांड फॉन्ट्स टाइप फेसेस हैं जो हम यूजुअली ग्राफिक डिजाइन में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक हम एग्जाम्पल और देखते हैं, एक गुड एग्जाम्पल क्या है एक टाइपोग्राफी को यूज करने की, और एक बैड एग्जाम्पल क्या है टाइपोग्राफी को यूज करने की। ठीक है, आपके सामने एक दोनों किस्म की एग्जाम्पल शो हो रही है, बैड एग्जाम्पल और गुड एग्जाम्पल, ठीक है। अब गुड क्यों है, गुड एग्जाम्पल गुड क्यों है, और बैड एग्जाम्पल बैड क्यों है, तब हम इस पर डिस्कशन करते हैं। जो ऊपर एग्जाम्पल है ये एक बैड एग्जाम्पल है यूज ऑफ टाइपोग्राफी की, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फॉन्ट्स यूज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा फॉन्ट्स का यूजेज है इसमें। एक फॉन्ट ये अलग है, ये अलग फॉन्ट है, ये अलग फॉन्ट है, तो एक ही डिजाइन में या एक ही टाइपोग्राफी में पांच फॉन्ट्स यूज कर रही है उसमें, एक ही फैमिली के, हालांकि ये नहीं होना चाहिए और ऐसे नहीं होता ना, हमने करना है, ठीक है। अब उसने कई चीजों को बोल्ड किया, वो एम्फेसिस के लिए बोल्ड किया है, कोई स्ट्रेस स्ट्रेस दिखाने के लिए किसी चीज को हम बोल्ड करते हैं, या इम्पोर्टेंट कोई चीज होती है तो उसको हम बोल्ड करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा यूज है एक फॉन्ट का, और ये विजुअली अपीलिंग नहीं लग रहा, आपको पढ़ने का भी दिल नहीं कर रहा। इनफैक्ट जब आपके सामने दोनों एग्जाम्पल्स आई होंगी तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपने नीचे वाले को पढ़ा होगा, ऊपर वाले को आपने शायद पढ़ा भी ना हो, ठीक है। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन यही टेक्निकल रीजन है, यही एक टेक्निकल रीजन है उसकी, कि जो ऊपर वाला बैड एक एग्जाम्पल है टाइपोग्राफी की यूज की, उसमें बहुत से फॉन्ट्स हैं,
मल्टीपल फॉन्ट्स है मल्टीपल लाइंस के लिए इसमें, बट अगर आप नीचे देखें फॉन्ट्स ने एक ही यूज किया, नथिंग एल्स, और ये पढ़ा जा रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, विजुअली अपीलिंग लग रहा है, तो हमने क्या लर्न किया कि इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि ज्यादा फॉन्ट यूज करना एक डिजाइन को अपीलिंग बनाएगा, नहीं, ये इम्पोर्टेंट है कि हम यूज क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। लेस इज मोर, आपने इसको लाजमी ध्यान में रखना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है लेस इज मोर की। इसमें नीचे वाले एग्जाम्पल में, गुड एग्जाम्पल में कोई एक्स्ट्रा फॉन्ट नहीं यूज हुआ, सिर्फ बोल्ड टेक्निक यूज हुई है, वो इम्पोर्टेंट एक चीज को दिखाने के लिए, ठीक है, एम्फेसिस टेक्निक यूज की है इसमें, और कुछ नहीं यूज हुआ, फॉन्ट एक ही सिंपल फॉन्ट है, ठीक है। तो ऊपर वाला इतना अच्छा नहीं लग रहा पढ़ने में, उसको पढ़ने को भी दिल नहीं कर रहा, बट नीचे वाले को आप पढ़ेंगे भी और इसको समझेंगे भी, और इसको ये आपके लिए विजुअली अपीलिंग भी है, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ पोस्ट्स ने डिजाइन की हुई, ये इसको देखते हैं पोस्ट को भी। अब कुछ बायोडेफिक की डिजाइन पोस्ट्स हैं, देखें इसमें, एक तो आपको इसमें पर्सपेक्टिव नजर आएगा, ठीक है, इसमें आपको एरियल पर्सपेक्टिव नजर आएगा, ठीक है, चीजें फॉरवर्ड जा रही हैं, इन फ्यूचर की तरफ आपको कुछ चीज, इसमें बेसिकली थॉट पीछे ये थी कि डिजिटलाइजेशन शो करवानी है जी, ठीक है, और टीम का गोल था कि डिजिटलाइजेशन शो करवानी है, कंप्यूटर्स का फ्यूचर शो करवाना है, ठीक है, और इसको फ्यूचर की तरफ एक हमने एक्सेस देनी है, और अपना जो सॉरी मॉडल टैग लाइन है उसको इम्प्लीमेंट करना साहब। तो ये इसके लिए एक, जब एक सामने आया कि जनाब फ्यूचर में किसी एक चीज को फ्यूचर की तरफ लेके जाना है, तो फिर दिमाग में एक आइडिया है कि जनाब वो अगर जो चीज दूर जाती होती है वो तो फिर एरियल पर्सपेक्टिव होता है, इट मींस हमें एरियल पर्सपेक्टिव का यूज करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। हमने फिर इमेज टेक्सचरिंग यूज की, पीछे बैकग्राउंड है और इसमें एक एरियल पर्सपेक्टिव दिया, ठीक है, जो आपको फॉरवर्ड की तरफ चीजें जाती है, डिजिटल सा एक फील है, प्लस इसमें एक टैग लाइन है, टैग लाइन में आप देखेंगे सर्विंग आईटी, इसमें दो फॉन्ट्स यूज किए हैं सिंपल, ठीक है, प्लस कलरिंग इसकी जो है वो सिलेक्टेड है एनालॉगस पे, जो हमारी ब्रांड की कलर स्कीम सिलेक्ट हुई है, ठीक है। तो वी सर्व यू लिखा हुआ है एक सिंपल किसी दूसरे फॉन्ट में, बट इनकी फॉन्ट फैमिली सेम है, बाय सर्विंग आईटी एक डिफरेंट फॉन्ट है बट सेम फॉन्ट फैमिली के साथ। तो ये एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अच्छा इसको देखें आप, इस एग्जांपल को देखें, इसमें भी एक थॉट प्रोवोकिंग है, ठीक है, एक मीनिंगफुल सी है इसमें, कि हमने कंसिस्टेंसी को एक कोट को एक दिखाना है कि कंसिस्टेंसी लीड्स यू टू योर बेस्ट वर्जन। तो इसमें कोई ज्यादा बहुत ज्यादा ग्राफिक्स को यूज नहीं किया गया, बहुत ज्यादा चीजों को नहीं यूज किया गया। इसमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट है आपको बतानी भी थी मैंने, कि आप इसमें देखेंगे लीड्स यू टू योर लिखा हुआ है ना, जो सेंटर्ड लाइन है, इसकी स्पेस को ऑब्जर्व करें, इसको कहते हैं टेक्निकली कर्निंग, कर्निंग इन टाइपोग्राफी, ठीक है। इसमें ये होता है कि आप अकॉर्डिंग टू योर टाइप या अकॉर्डिंग टू योर फॉन्ट ना, या अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन, आप कुछ उसको अच्छा दिखाने के लिए, विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए ना, कुछ चीज कुछ फॉन्ट्स को छोटा कर देते हो और उनमें स्पेस बढ़ा देते हैं, उनकी लेटर्स के दरमियान जो स्पेस होती है ना, लेटर के दरमियान जो स्पेस होती है, जैसे एल और ई के दरमियान स्पेस है, ठीक है, ए और डी के दरमियान स्पेस है, इस स्पेस को थोड़ा इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इसको इंक्रीज करना या डिक्रीज करना करने की अलग कर इसलिए नथिंग है, ठीक है। तो इसमें भी फॉन्ट को अगर हम ऑब्जर्व करें, एक ही फॉन्ट यूज हुआ है, नथिंग एल्स, सिंपल एक फॉन्ट यूज हुआ है, बट उसमें
कंसिस्टेंसी बोल्ड है और बेस्ट वर्जन बोल्ड है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एम्फेसिस टेक्निक थी, थोड़ा इस चीज को इम्पोर्टेंस दिखानी थी, इस पे एम्फेसाइज करना था। दैट मीन्स आपका ये थोड़ा सा बोल्ड होगा तो इम्पोर्टेंस उसकी समझ आएगी। ठीक है, लीड्स यू टू योर, ये आप स्ट्रेच होके पूरा साथ साथ भी लग सकता था, बट वो अच्छा नहीं लगना था, दैट्स वाई इसको कर्निंग करके यहीं तक रखा गया और शॉर्ट रखा गया थोड़ा। प्लस एक और अगर हम एग्जांपल देखते हैं यूजेज ऑफ फॉन्ट्स की या कर्निंग की, तो एक ये और एग्जांपल है कि सक्सेस डज नॉट जस्ट फाइंड यू, यू हैव टू गो आउट एंड गेट इट। ठीक है, इसमें जो आपको एलिमेंट नजर आएंगे, अच्छा कौन मुझे बता सकता है, सलाना बता सकता है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं ग्राफिक डिजाइन के? मैंने जी सर, कहा आप ये जो सामने स्क्रीन शेयर हो रही है, शो हो रही है, इस इमेज में आप बता सकते हो देख के कि कौन कौन से ग्राफिक डिजाइन के एलिमेंट्स यूज किए हो, जो हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं इनमें से कौन कौन से यूज हुए हैं? ज्यादा क्लियर तो नहीं, लेकिन मतलब थोड़ी बहुत रफ टाइपोग्राफी आइडिया और दें। रफ हाँ, आइडिया में इस टाइपोग्राफी तो यूज हुई है और कुछ? टाइपोग्राफी यूज हुई है। उसके अलावा सर हमने इसके पीछे थॉट दी है, मतलब कुछ बड़ा सोचने की, कुछ न्यू सोचने की। हाँ, वो तो थॉट हो गई, ठीक है, बट ग्राफिक डिजाइन में एलिमेंट्स पढ़े ना हमने, इसमें कौन कौन से आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, क्या कुछ नजर आ रहा है? इसमें मतलब ये जो फॉन्ट है इनकी कलर स्कीम भी है। अच्छा, आपको यहाँ पे कहीं पे ज्योमेट्रिकल शेप नजर आ रही? जी सर, पीछे जो पीछे बिल्डिंग्स भी तकरीबन ज्योमेट्रिकल में ही है, और ये लैपटॉप जो पड़ा है ये भी ज्योमेट्रिकल में ही है। अच्छा, ये जो बॉक्स बना हुआ है बेसिकली यू जी हैव टू सर, गो आउट के पीछे, ये भी तो ज्योमेट्रिकल शेप ही है ना? जी सर, ये जो पीछे बिल्डिंग्स है ना, ये बेसिकली इमेज है पूरी, जी पर्सन जी हो जी गया बिल्डिंग, ये इमेज टेक्सचरिंग है, ये टेक्सचर जी की टेक्निक है, ये टेक्सचर एलिमेंट यूज हुआ है, इमेज टेक्सचरिंग, ठीक है, ये इमेज है, जी सर, इसमें ज्योमेट्रिकल शेप यूज हुई है, ये रेक्टेंगल यूज हुआ है बॉक्स, ठीक है, प्लस इसमें एक और एलिमेंट यूज हुआ हमारा लाइन एलिमेंट भी है, देखिए लाइंस भी तो है, ठीक है, यस एंड ये गेट लाइन इट। एलिमेंट यूज, हाँ ये लाइंस एलिमेंट है, ये जो पीछे बिल्डिंग्स हैं या जो पर्सन है या ये जो आपको फ्लोर से नजर आ रहा है, ये बेसिकली इमेज है पूरी की पूरी, ये खुद से डिजाइन नहीं है वहाँ कुछ, ये इमेज टेक्सचर है, ठीक है, तो जी सर, इसमें ये है एलिमेंट्स। प्लस इसमें जो देखने वाली चीज है टाइपोग्राफी, सक्सेस, एक तो ये कि फॉन्ट एक ही है, ठीक है, ज्यादा फॉन्ट्स नहीं यूज हुए, ठीक है, सैन सेरिफ का फॉन्ट यूज हुआ है इसमें, मॉन्टसेरेट के नाम से होता है वो फॉन्ट यूज हुआ है इसमें, सेरिफ सैन सेरिफ टाइप के इसके अंदर, और इसमें एम्फेसिस है सक्सेस पे, इसको थोड़ा बोल्ड किया हुआ है, और चीजों को थोड़ा अरेंज, जो फॉन्ट्स को थोड़ा अरेंज इस तरह किया हुआ है कि वो एक दूसरे के साथ कंपनसेट कर रहे हैं, ठीक है, एक अलाइनमेंट, एक हायरार्की भी है, इधर भी कर्निंग का टेक्निक यूज हुई है कर्निंग की, और यहाँ पे कर्निंग थोड़ी ज्यादा यूज हुई है, मतलब लेटर स्पेस थोड़ी ज्यादा है इसमें, ये हम सारा कुछ जब प्रैक्टिकल में जाएंगे हम इसको करेंगे, और मैं आपको कुछ डिजाइन एलिमेंट्स और डिजाइन असाइनमेंट्स भी दूंगा, वो आप उस डिजाइन को कॉपी पेस्ट करके लाएंगे खुद से कैनवा पे, ठीक है। कुछ और एक एग्जांपल अगर हम देख लें, ये देखते हैं, अच्छा ये तो बेसिकली वीडियो है, इसको हम भी देखें, इसमें भी सिंगल फॉन्ट बल्कि टू फॉन्ट इसमें यूज हुए हैं, ये हेडिंग के लिए कुछ फॉन्ट अलग से यूज हुए हैं और ये कुछ अलग से डिफरेंट फॉन्ट है, बट ये दोनों फॉन्ट फैमिली के दो ही फॉन्ट है, इन दो फॉन्ट्स के अलावा कोई और फॉन्ट यूज नहीं हुआ, इसमें पीछे इमेज टेक्सचरिंग यूज हुई है, ठीक है, फेडेड इफेक्ट है, थोड़ा शेडोज यूज हुए हैं, प्लस इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज हुई हैं, ये नीचे एक आपको ज्योमेट्रिकल शेप ओवल बेस थोड़े बॉक्सेस है नीचे, यहाँ पे ये ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड नथिंग एल्स, तो हमने चीजों को भरना नहीं होता,
ना ही आपको कोई चीज़ है किसी डिज़ाइन में भरा भरा डिज़ाइन कभी भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, हमेशा आपको एक अच्छा डिज़ाइन वही लगेगा जिसमें चीज़ें और एलिमेंट्स का काम से काम और इफेक्टिवली इफेक्टिवली यूज हुआ हो। ठीक है, इसमें अगर हम देखें इसमें कुछ भी नहीं है, सिंप्लिसिटी है, सिंपल की फैक्टर्स हैं, कुछ भी नहीं है, एक पीछे इमेज है। ठीक है, इमेज को लेके थोड़ा सा उसको शेडोज वाइज एडिट किया गया है, पूरा एक बना बनाया इमेज उठाया, ये बिल्कुल इमेज खुद से नहीं बनाया। ठीक है, एक इमेज टेक्सचरिंग की टेक्निक यूज हुई, ग्राफिक डिजाइन में इमेज टेक्सचरिंग बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, और एक फॉन्ट को यूज किया हुआ सिंपल एज डैट, और कुछ भी यूज नहीं किया, ब्रांड कलर के साथ न्यूट्रल कलर वाइट को यूज किया, न्यूट्रल कलर वाइट ब्लैक और ग्रे, ये आप कहीं पे भी कभी भी यूज कर सकते, इनका कोई मसला नहीं होता। इसमें देखें ये थोड़ी सी एक एनिमेटेड सी है, इसमें काफी काम हुआ हुआ है। ठीक है, इसमें आपको ऊपर सबसे पहले तो फॉन्ट नजर आएंगे। ठीक है, स्पेस एक अच्छी है यूज हुई है, प्लस इसमें एनिमेटेड करेक्टर्स यूज हुए हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स लाइंस यूज की हुई हैं। ठीक है, ये एक नीचे स्ट्रेट लाइन भी आपको दिखेगी। ठीक है, ये कुछ ऑर्गेनिक शेप्स या एलिमेंट्स यूज हुए हुए हैं। ठीक है, यहाँ साइड पे आपको लाइंस कुछ नजर आएंगी। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक, ये एलिमेंट्स यूज हुए हैं बेसिकली, ये ग्राफ जो है ये लाइन से बना है, सर्कल लाइन से बना है। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट्स हैं, इसमें लाइंस हैं, इसमें ऑर्गेनिक शेप्स हैं, इसमें वाइट स्पेस है, इसमें टाइपोग्राफी है, कलर स्कीम है। ठीक है, ये चीजें हैं अंडर, जो इसको हमने अंडर ऑब्जर्वेशन लुक में इनको ऑब्जर्व करिए। एक बहुत पुरानी पोस्ट में से एक पोस्ट है, उस टाइम हमारा लोगो भी थोड़ा डिफरेंट होता था, ये उस पोस्ट में से, ये शायद आपको इतनी अच्छी ना लगे क्योंकि उस वक्त हम खुद ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे थे, तो इसमें हो सकता है बहुत सी कमियां हो, मुझे तो पता है क्या क्या कमी है इसमें। अच्छा, मैं एज असाइनमेंट आपको ये कल कुछ इस तरह की पोस्ट दूंगा जिसमें आपने कमियां ढूंढ के लेके आनी होंगी, मुझे तो पता है। ठीक है, रमजान, ये रिसेंटली रमजान से रिलेटेड कुछ हमने पोस्ट को डिजाइन किया था, इसमें अगर आप ऑब्जर्व करना चाहें चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये एक पोस्ट है, सिंपल पीछे इमेज टेक्सचरिंग यूज हुई है, एक शेडोइंग इफेक्ट यूज हुआ है, ब्लेंडिंग इफेक्ट कुछ भी हो, एक पीछे बैकग्राउंड अच्छा है, थोड़ा सा चीजों को कंडेंस किया हुआ है, ये बेसिकली एक एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है कैनवास से लिया हुआ, बट इसमें लाइटनिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लेट के नीचे का, आपको थोड़ा सा लाइटनिंग इफेक्ट नजर आएगा, एक लाइटनिंग इफेक्ट है। लाइटनिंग इफेक्ट मैंने कल की क्लास में बताया था कि हम चीजों को थोड़ा रियलिस्टिक फील देने के लिए करते हैं यूज। ठीक है, रमजान को अगर आप देखें यहाँ पे थोड़ा सा आपको वाइट शेडो नजर आ रहा है जिसको थोड़ा सा उठा रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो ये टेक्निक्स है इसमें, प्लस ये एक एलिमेंट यूज हुआ है कैनवा से। ये सभी पोस्ट जो है कैनवा पे ही डिजाइन हुई है, कोई फोटोशॉप और अडोब इलस्ट्रेटर इन चीजों पर डिजाइन नहीं हुई, एलिमेंट्स आपको मिल जाते हैं कैनवा से, ये चीजें मिल जाती हैं। इसमें भी हम देख सकते हैं टेक्सचर है पीछे, बैकग्राउंड टेक्सचर इमेज है, एक पैटर्न डिजाइन टेक्सचर है बेसिकली, नथिंग एल्स, पैटर्न है। ठीक है, फॉन्ट्स हैं, डेकोरेटिव फॉन्ट्स हैं ये। ठीक है, ये भी डेकोरेटिव फॉन्ट है, ये भी डेकोरेटिव फॉन्ट है, क्यों? क्योंकि हमने हैप्पीनेस को शो करवाना था। प्लस ये एक एलिमेंट है, पिक्चर है बेसिकली, ये भी एक पिक्चर है, ये तस्वीर, और ये जो बुक है कुरान पाक, ये भी एक पिक्चर है, इनको एक शेडो इफेक्ट और लाइटिंग इफेक्ट दिया हुआ है। ये भी अगर
सॉरी, इंटरनेट थोड़ा सा कट ऑफ हो गया था, उसकी वजह से थोड़ा डिस्टॉर्शन हो गई। बट अब हम बस वाइंड अप ही करेंगे। आज के लिए थोड़ी सी माजर, जो इंटरनेट का थोड़ा सा इशू था, चीज़ें कुछ बीच में कट ऑफ हुई, बट कल से इंशाल्लाह इंटरनेट प्रॉपर होगा। सो ये चीज़ें हमने थोड़ी सी डिस्कस की। हमने आज तकरीबन तकरीबन क्या बल्कि सभी ग्राफिक डिज़ाइन के एलिमेंट्स को वाइंड अप कर दिए। इसमें हमने लाइन देख ली है, शेप्स देख ली हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स, ऑर्गेनिक शेप्स, टेक्सचर्स देख लिए, स्पेसेस देख ली, फॉर्म देख लिया। नेक्स्ट आज हमने जो पढ़े कलर्स, कलर स्कीम, कलर थ्योरी, पर्सपेक्टिव्स भी हमने कवर किए, और लास्ट पे हमने टाइपोग्राफी को कवर किया। तो हमारी जो ग्राफिक डिज़ाइन की एलिमेंट्स वाला काम है ये कंप्लीट है। अब अगर आप खुद से चाहें तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग शुरू कर सकते हैं। अब आप इस काबिल हैं, आपके पास वो सारा नॉलेज है, जस्ट यू नीड प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स माइन परफेक्ट। और प्रैक्टिस को आप जितना करते रहेंगे वो आपकी उतनी ही स्किल इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, इस बूट कैंप में शायद हम वो ज़्यादा एक्सपर्टीज ना हासिल कर सकें स्किल में, क्योंकि पूरा कोर्स नहीं है। कोर्स तो 3 माह का, 4 माह का होता है। बट हम इस लेवल पे जरूर जाएंगे कि एटलीस्ट हम कैनवा को यूज़ करके कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का करियर तो स्टार्ट तो एक ले सके ना, एज अ बिगिनर। ठीक है, और जो चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है और जो जिन चीज़ों को हमने इग्नोर करना है, वो सब मैंने आपको साथ साथ बताई है। कल एक छोटी सी और तकरीबन 1.5 घंटे घंटे की थ्योरी बेस्ड क्लास करेंगे, जिसमें थोड़ी सी अलाइनमेंट्स आ जा रही की अप्रॉक्सीमिटीज और कलर इंटरेक्शंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर हम प्रॉपरली कल एक कैनवा पे इंशाल्लाह एक बिजनेस कार्ड टाइप या कोई जिस तरह की चीज़ डिज़ाइन करेंगे प्रैक्टिकली। तो कल सैटरडे है, संडे आपका ऑफ है। संडे को आप तो मैं असाइनमेंट दूंगा, उसको आप करके लेके आएंगे मंडे को। ठीक है, सैटरडे को कल एक असाइनमेंट दूंगा और उसको आप करके लेके आएंगे कैनवा पे इंप्लीमेंट। कैनवा लर्न करने में मुश्किल काम नहीं है। कैनवा बेसिकली कल की क्लास में मैंने थोड़ा सा कैनवा को बता भी दिया था, ओवरव्यू दे दिया था। होपफुली आपने अकाउंट्स क्रिएट कर लिए होंगे, उसको आप ऑब्जर्व करें। थोड़ा सा कुछ भी नहीं है, जो चीज़ें आपने थ्योरी में पढ़ी है ना वही सारी चीज़ें आपको उधर मिलेंगी, और कुछ नहीं। उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो कल हम कैनवा को थोड़ा सा और देखेंगे, प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे कैनवा को। कैनवा मैंने आपको पहले से बताया है कि एक टूल होता है सिर्फ, नथिंग है। ठीक है, जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं हमने उन्हीं को इम्प्लीमेंट करना है, और कुछ नहीं करना। तो कल एक थोड़ा सा छोटा सा एक थ्योरी बेस्ड लेक्चर होगा पहले, फिर कैनवा प्रैक्टिकल होगा। बिजनेस कार्ड होपफुली एक बना लेंगे कल हम। ठीक है, डिज़ाइन करेंगे खुद से। आपकी असाइनमेंट होगी नॉर्मल सी, मंडे को आप सबमिट करवाएंगे। मंडे से प्रॉपरली फिर हम कैनवा पे ही डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे, थ्योरी नहीं होगी कुछ। ठीक है, तो आज की क्लास में आप 3 लोग हो मेरे साथ, तो आपका कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी तो नहीं है, या प्रीवियस कोई कॉन्सेप्ट या टॉपिक से रिलेटेड कोई इश्यू हो किसी को, या कोई चीज़ समझ ना आई हो, कुछ डिफिकल्टी हो तो काइंडली आप शेयर करें। प्लस आप कम्युनिटी साइट पे भी जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको आंसर मिल जाएगा आपके क्वेश्चन। जी, किसी का कोई क्वेश्चन थी ना मुझसे? ठीक नो सर, है, आयशा आवेद आपका कोई क्वेश्चन? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। चलें फिर हम करते हैं इसको वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। कल इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल साइड की तरफ भी थोड़ा काम करेंगे। तो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।